अभी 15 दिन के अंतराल में 1-1.5 घंटा देकर मैंने ये बुक्स पढ़ी, जरूरी है सिविल सर्विस के लिए और वैसे आम जिंदगी के लिए भी। कौटिल्य ने बहुत अच्छी बात कही है, चाणक्य जो थे, चाणक्य जानते हैं अर्थशास्त्र, उन्होंने कहा जो आदमी एक बुक एक दिन में पढ़ता है वो ग्रेट है। तो आप कहो एक बुक एक दिन में एक बुक कैसे पढ़ी जा सकती है, तो उन्होंने कहा एक चैप्टर पढ़ लो। तो उन्होंने कहा वो चैप्टर, एक चैप्टर कैसे एक दिन में पढ़ा जा सकता है, तो उन्होंने कहा चैप्टर नहीं, एक एक पूरा पेज पढ़ लो। तो उन्होंने कहा तुमने कहा एक पेज कैसे पूरा पढ़ा जा सकता है, पर टाइम ही नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा एक पैराग्राफ पढ़ लो। उन्होंने कहा पैराग्राफ एक दिन में कैसे पढ़ा जा सकता है आप ये कहो। तो उन्होंने कहा एक लाइन पढ़ लो, कोई कोट पढ़ लो, लाइन पढ़ लो, उस पर सोचो। जो आदमी एक लाइन भी पूरे दिन में नहीं पढ़ता हो, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य उसे जीने का हक नहीं है, वो एक इग्नोरेंट पर्सन है समाज में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो एक लेबर है जो बस दूसरे की स्टीम लाइनिंग पे वर्क करता है। कि उसे एक स्टीम लाइनिंग दे दी जाती है, मान लीजिए अगर टायर कसना है तो वो टायर कसेगा पूरे दिन, मान लीजिए उसे ग्रीसिंग करनी है तो ग्रीसिंग करेगा पूरे दिन, मान लीजिए ट्यूबलाइट फिट करनी है तो पूरे दिन ट्यूबलाइट फिट करेगा और पूरी जिंदगी ऐसी बिता देगा। तो लोगों ने पूछा जिंदगी जीने का क्या नाम है, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, तो आवाज आ रही है ना, जिंदगी क्या है। तो हुआ क्या, एक लड़के ने अपने वालिद साहब से पूछा कि जिंदगी क्या है, और उस समय कायरो और बगदाद बहुत बड़े सेंटर होते थे लर्निंग के। कायरो और बगदाद की लाइब्रेरी देखेंगे, वर्ल्ड फेमस है, सूफीज्म का ओरिजिन हुआ है। सूफीज्म एक तरह से सोफिया ही समझ सकते हैं, फिलॉसफी को सोफिया कहते हैं, और वहीं से एक वर्ड आया है सूफीज्म का। तो उन्होंने कायरो में एक बहुत बड़े सोफी रहते हैं, सोफिस्ट रहते हैं, उनसे जाके पूछो कि जिंदगी क्या है। वालिद साहब की बात सुनकर वो आदमी कायरो गया और कायरो जाके सोफिस्ट से मिला। सोफिस्ट से मिलने के बाद उसने पूछा, अच्छा उसका सोफिस्ट का जो महल था बहुत बड़ा था, हीरे चांदी एम्बेडेड थे, जैसे पितराधुरा कहते हैं, हीरा चांदी एम्बेडेड कर रखे थे उन्होंने अपने महल में, फव्वारे थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, और बहुत बड़ा घर था। वो आदमी गया और सोफिस्ट से पूछा कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो सोफिस्ट ने कहा कि तुम कहां से आए हो। उसने कहा मैं तो यहीं से आया हूं, कंधार से, ज्यादा दूर से नहीं आया हूं, और मैं ये पूछने आया हूं, मेरे वालिद साहब ने आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे ये जानना है जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू कहा कैसे आया। उसने कहा मैं पैदल पैदल आ गया, कारवा एक चल रहा था, मैं कारवा के साथ निकल गया, आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा तूने मेरा महल देखा। उसने कहा नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आ रहा था, मैंने आपका महल कहां देखा। उसने पूछा फब्बारे देखे। तो ना फब्बारे मैंने नहीं देखे, आपसे मिलने आ रहा था। उनका हीरे चांदी जड़े हुए थे वो देखे। तो उन्होंने कहा मैं हीरे चांदी कहां देखता, आपसे मिलने आया हुआ था। उसने कहा इतना बड़ा महल है मेरा, वो देखा तूने कितना बड़ा महल है, उसमें पेंटिंग्स लगी हुई है। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हुआ था, महल कहां से देखता मैं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, जिंदगी तो तू बाद में समझियो क्या है, एक काम कर पूरा महल देख, फव्वारे देख, पेंटिंग देख, कोना कोना देख और उसकी खूबसूरती पहचान, कलर देख, और साथ के साथ एक और काम कर। एक गुलाम को बुलाया और गुलाम से बुलाकर कहा कि एक काम करो, इसे एक चम्मच दे दो और चम्मच में 2 बूंद शहद, ठीक है, शहद लेकर मुंह में चम्मच लेनी है और उसके ऊपर शहद है, या फिर हाथ में चम्मच लेनी है और उस पर 2 बूंद शहद की डाल दी और कहा इस शहद को लेकर पूरा महल देख, ठीक है, लेकिन याद रहे ये शहद गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं गिरेगा। अब वो क्या है, पूरे महल घूमता रहा, सब कुछ 13 एकड़ में महल बना हुआ था, आजकल के कॉलेज उसमें बने होते हैं, 13 एकड़ में बना हुआ था महल पूरा, उसने महल ढूंढा और वापस आया सोफिस्ट के पास। सोफिस्ट ने कहा महल देखा। तो उसने कहा मैं कहां से देखता, आपने 2 बूंद शहद की दे दी थी, मैं तो इस 2 बूंद की शहद देख रहा था खाली कि ये ना गिर जाए। सोफिस्ट ने कहा अरे
बेवकूफ, तू शहद की चिंता छोड़, अब जाके महल देख। तो शहद के पीछे ही पड़ा रहा, पूरे पूरे टाइम खाली शहद को देख रहा था, शहद को गिर ना जाए। तो उससे कहा जाके जा महल देख। वो महल देखने गया और अब उसने फाउंटेन्स देखे, फव्वारे, टेंटिंग्स देखी, पितरा दूरा देखा, किस तरह से सिमेंट्रिज्म बनाया जाता है बिल्डिंग का वो देखा, पिलर्स देखे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सब देखने के बाद वापस आया सोफिस्ट के पास। और सोफिस्ट के पास आके कहा कि मैंने देख लिया, बहुत मजा आया, बढ़िया है, बढ़िया था आपका महल। उसका अच्छा बढ़िया था। उसने सोफिस्ट ने कहा बाकी तेरे शहद कहाँ गया? कह रहा शहद पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो महल देखने में बिजी था, शहद का कौन सोचता। मेरे वालिद साहब ने आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे ये जानना है जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू कैसे आया? उसने कहा मैं पैदल पैदल आ गया, कारवा एक चल रहा था, मैं कारवा के साथ निकल गया, आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा तूने मेरा महल देखा? उसने कहा नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आ रहा था, मैंने आपका महल कहां देखा? उसने पूछा फब्बारे देखे? तो उसने कहा फब्बारे मैंने नहीं देखे, आपसे मिलने आ रहा था। उसने कहा हीरे चांदी जड़े हुए थे वो देखे? तो उसने कहा मैं हीरे चांदी कहां देखता, आपसे मिलने आया हुआ था। उसने कहा इतना बड़ा महल है मेरा, वो देखा तूने कितना बड़ा महल है, उसमें पेंटिंग्स लगी हुई है। उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हुआ था, महल कहां से देखता मैं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, जिंदगी तो तू बाद में समझियो क्या है, एक काम कर पूरा महल देख, फव्वारे देख, पेंटिंग देख, कोना कोना देख और उसकी खूबसूरती पहचान, कलर देख। और साथ के साथ एक और काम कर, एक गुलाम को बुलाया और गुलाम से बुलाकर कहा कि एक काम करो, इसे एक चम्मच दे दो और चम्मच में दो बूंद शहद की, ठीक है? शहद लेकर मुंह में चम्मच लेनी है और उसके ऊपर शहद है, या फिर हाथ में चम्मच लेनी है और उस पर दो बूंद शहद की डाल दी और कहा इस शहद को लेकर पूरा महल देख, ठीक है? लेकिन याद रहे ये शहद गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं गिरेगा। अब वो क्या है, पूरे महल घूमता रहा, सब कुछ 13 एकड़ में महल बना हुआ था, आजकल के कॉलेज उसमें बने होते हैं, 13 एकड़ में बना हुआ था महल पूरा। उसने महल ढूंढा और वापस आया सोफिस्ट के पास। सोफिस्ट ने कहा महल देखा? तो उसने कहा मैं कहां से देखता, आपने दो बूंद शहद की दे दी थी, मैं तो इस दो बूंद की शहद देख रहा था खाली कि ये ना गिर जाए। सोफिस्ट ने कहा अरे बेवकूफ, तू शहद की चिंता छोड़, अब जाके महल देख। तो शहद के पीछे ही पड़ा रहा, पूरे पूरे टाइम खाली शहद को देख रहा था, शहद को गिर ना जाए। तो उससे कहा जाके जा महल देख। वो महल देखने गया और अब उसने फाउंटेन्स देखे, फव्वारे, पेंटिंग्स देखी, पितरा दूरा देखा, किस तरह से सिमेंट्रिज्म बनाया जाता है बिल्डिंग का वो देखा, पिलर्स देखे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सब देखने के बाद वापस आया सोफिस्ट के पास। और सोफिस्ट के पास आके कहा कि मैंने देख लिया, बहुत मजा आया, बढ़िया है, बढ़िया था आपका महल। उसका अच्छा बढ़िया था। उसने सोफिस्ट ने कहा बाकी तेरे शहद कहाँ गया? कह रहा शहद पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो महल देखने में बिजी था, शहद का कौन सोचता। मेरे वालिद साहब ने आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि मुझे ये जानना है जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू कैसे आया? उसने कहा मैं पैदल पैदल आ गया, कारवा एक चल रहा था, मैं कारवा के साथ निकल गया, आपके पास आ गया। तो उन्होंने कहा तूने मेरा महल देखा? उसने कहा नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आ रहा था, मैंने आपका महल कहां देखा? उसने पूछा फब्बारे देखे? तो उसने कहा फब्बारे मैंने नहीं देखे, आपसे मिलने आ रहा था। उसने कहा हीरे चांदी जड़े हुए थे वो देखे? तो उसने कहा मैं हीरे चांदी कहां देखता, आपसे मिलने आया हुआ था। उसने कहा इतना बड़ा महल है मेरा, वो देखा तूने कितना बड़ा महल है, उसमें पेंटिंग्स लगी हुई है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हुआ था, महल कहां से देखता मैं। तो उन्होंने कहा एक काम कर, जिंदगी तो तू बाद में समझियो क्या है, एक काम कर पूरा महल देख, फव्वारे देख, पेंटिंग देख, कोना कोना देख और उसकी खूबसूरती पहचान, कलर देख। और साथ के साथ एक और काम कर, एक
गुलाम को बुलाया और गुलाम से बुलाकर कहा कि एक काम करो, इसे एक चम्मच दे दो और चम्मच में दो बूंद शहद की, ठीक है, शहद लेकर मुंह में चम्मच लेनी है और उसके ऊपर शहद है, या फिर हाथ में चम्मच लेनी है और उस पर दो बूंद शहद की डाल दी और कहा इस शहद को लेकर पूरा महल देख, ठीक है, लेकिन याद रहे ये शहद गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं गिरेगा। अब वो क्या है, पूरे महल घूमता रहा, सब कुछ 13 एकड़ में महल बना हुआ था, आजकल के कॉलेज उसमें बने होते हैं, 13 एकड़ में बना हुआ था महल पूरा, उसने महल ढूंढा और वापस आया सोफिस्ट के पास। सोफिस्ट ने कहा महल देखा, तो उसने कहा मैं कहां से देखता, आपने दो बूंद शहद की दे दी थी, मैं तो इस दो बूंद की शहद देख रहा था खाली कि ये ना गिर जाए। सोफिस्ट ने कहा अरे बेवकूफ, तू शहद की चिंता छोड़, अब जाके महल देख। तो शहद के पीछे ही पड़ा रहा पूरे टाइम, खाली शहद को देख रहा था, शहद को गिर ना जाए। तो उससे कहा जाके जा महल देख। वो महल देखने गया और अब उसने फाउंटेन्स देखे, फव्वारे, पेंटिंग्स देखी, पितरा दूरा देखा, किस तरह से सिमेंट्रिज्म बनाया जाता है बिल्डिंग का वो देखा, पिलर्स देखे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सब देखने के बाद वापस आया सोफिस्ट के पास। और सोफिस्ट के पास आके कहा कि मैंने देख लिया, बहुत मजा आया, बढ़िया है, बढ़िया था आपका महल। उसका अच्छा बढ़िया था। उसने सोफिस्ट ने कहा बाकी तेरे शहद कहाँ गया, जरा शहद पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो महल देखने में बिजी था, शहद का कौन सोचता, शहद तो मैं महल देखने लगा, शहद गिर गया। सोफिस्ट ने कहा जिंदगी इसी का नाम है, बिटवीन द दो बूंद शहद एंड बिटवीन सर्चिंग द ब्यूटी, हम जिंदगी में हर चीज को देखे भी सोचे भी उसकी प्रकृति भी देखें और साथ के साथ अपनी दो बूंद शहद की भी बचा के रखें, ये वायब मीडिया का नाम है। ऐसा नहीं कि आपके पास दो बूंद शहद है, गरीब हो भिखारी हो, खाली उस दो बूंद शहद को बचाने में लगे हुए कि मेरा एक गज जमीन कोई ले ना जाए और उसके कारण आपने इतना बड़ा विस्तार है दुनिया का वो छोड़ रखा है, खाली उस दो बूंद शहद के पीछे लड़े हुए हो, आपको बस दो गज जमीन बचानी है अपनी, दो बूंद शहद की बचानी। और ऐसा भी ना हो कि घर वालों ने इतना कर रखा हो कि आप दो बूंद शहद की फिक्र ही ना करें, बर्बाद कर दें अपने फैमिली का पैसा, जीरो कर दें एग्जिस्टेंस खाली उड़ाने में, कभी थार खरीद रहे हैं, कभी रात को दारू पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो जिंदगी इसका नाम है, बिटवीन द दो बूंद शहद एंड सर्चिंग द ब्यूटी, द वाया बिटवीन वाया मीडिया बिटवीन द टू, यानी दो बूंद शहद की भी बचा के रखनी है, दुनिया की खूबसूरती भी देखनी है। एवरीवन, तो इस बुक्स में काफी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो इससे स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे अच्छी बुक मुझे लगी, बहुत फेमस, एक दिन में पढ़ी जा सकती है, वो है सेनेका के लेटर्स, लेटर फ्रॉम ए स्टोइक। इसमें क्या है, एक फिलोसफर होते हैं, उन्होंने एक राजकुमार को, प्रिंस को, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि जिंदगी कैसे जी जाए। वो राजकुमार भी बड़ा, जो राजकुमार होता है वो भी बड़ा खुश मिजाजी होता है, बहुत अच्छा होता है, सारी इनकी बात मानता है। तो 124 लेटर का कलेक्शन है जिसमें जिंदगी एक अच्छी लाइफ कैसी जी जाए उसके बारे में बताया गया है, हम भी कुछ चीजें देखेंगे उससे। दूसरी है फिलॉसफी ऑफ एपिक्टेटस। फिलॉसफी ऑफ एपिक्टेटस में एक आदमी, जो आदमी है जिसने ये बुक लिखी है, उसने गुलाम में पैदा होता, गुलाम की जिंदगी में पैदा हुआ था, उसने दुनिया की सारी हार्श चीजें देखी हैं, हद से ज्यादा हार्श, जिसमें 24-24 घंटे भी आपसे जानवरों की तरह काम कराया जाए, वो जिंदगी भी देखी है। और उस जिंदगी के बाद जो फलसफा होता है जिंदगी का, उसे लिखा है और बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं, नोन एज फिलॉसफी ऑफ एपिक्टेटस। और जो लास्ट बुक हम आज देखेंगे, इसका नाम है मेडिटेशन ऑफ मार्कस ऑरेलियस। मेडिटेशन, इसमें क्या है, ये सब मैं जब पढ़ा दूं थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक, अच्छी बुक्स पढ़ना जरूरी है।
एक इंसान इंसान है क्योंकि वो अच्छी बुक्स पढ़ता है। इनमें इन बुक्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि पढ़ना लिखना एक एजुकेटेड माइंड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन ऑफ मार्कस ऑरेलियस, इसमें एक आदमी होता है बहुत अमीर, ठीक है, अमीर बुद्धि से भी होते हैं पैसे से भी होते हैं दोनों का, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों, लेकिन होता अच्छा है। इसे डिफरेंट डिफरेंट कोन मैन मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉड लोग जो इसके चाचा भी हैं, इसके मामा भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो इसे जिंदगी भर खाली लूटते हैं, जिंदगी भर इसका बेवकूफ बनाते हैं और जिंदगी भर इसे दगा देके भागते हैं। उसने फिर भी अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी है और बहुत ही खूबसूरत फलसफा लिखा है नोन एज मेडिटेशन ऑफ मार्कस ऑरेलियस, ठीक है, जो हम कहते हैं लेजेंड्स डू डाई अवे, व्हाट रिमेंस इज जो रह जाती है वो लेगेसी। उन फ्रॉड गिरी को हम बात नहीं कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में, लेकिन 500 बीसी की बुक की बात आज 21वीं शताब्दी में कह कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। प्री इस्लामिक बुक है, यानी एडी 6 सेंचुरी एडी से बहुत पहले लिखी गई है, ठीक, सारी बुक है। चले, ग्रीक फिलोसफर्स हैं और आपको पता है ग्रीक फिलोसफर्स वर्ल्ड फेमस होते थे, इवन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी और उससे पहले धनानंद और उसके फादर महापद्मनंदा, उन्होंने भी ग्रीक फिलोसफर्स से, ग्रीक फिलोसफर्स काफी मांगे थे कि हमारे इंडिया में ग्रीक फिलोसफर्स भेजे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी, करें चलिए। अब जाओ बेटा, सबसे पहले लेटर फ्रॉम ए स्टॉक, पूछा गया मौत क्या है, व्हाट इज डेथ, कयामत क्या होती है। तो आपने देखा होगा हम लोग इस बात पे ज्यादा एग्री और डिसएग्री रहते हैं कि डूम्स डे कब आएगा, क्लाइमेट चेंज कब होगा, प्रलय कब आएगा, जजमेंट डे कब आएगा, कि चैनिटी में जजमेंट डे कहते हैं उसे, तो मौत कब आएगी। ये कहती है बुक, अरे बेवकूफ, मौत और कयामत तब आएगी जब तू इस दुनिया से चला जाएगा। तू कयामत देखने के लिए बैठा है क्या यहां पर, जिस दिन तेरी मौत उस दिन कयामत। और ये स्टॉक, लेटर फ्रॉम स्टॉक बताती है कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल चीज हमारी जिंदगी में क्या है, क्या फ्रीडम होती है, क्या लिबर्टी होती है। अभी इस बात में भी देखेंगे फ्रीडम और लिबर्टी का असली मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो जिंदगी में चीज है वो है टाइम। अगर मैं आप लोगों से आपकी एज पूछूं तो कितनी एज बता दे, कोई बात नहीं है, तुम यहां थोड़ी प्रणय सूत्र थोड़ी ना बांध रहे हैं, 21 22 की हुई है तू, अभी 23। जिन्होंने 21 कहा, 26 कहा, 17 कहा, कि जिन्होंने 26 साल कहा, ये सब 26 साल मर चुके हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। 26 ईयर वो उनके खत्म हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं, वो ही मौत है। जो पास्ट जो खत्म हो चुका है, जो आपकी मौत हो चुकी है, और डिफरेंट डिफरेंट कारण है वो बुक में भी देखेंगे, और जो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए, जा रहे हैं बिजली गिर जाए, जा रहे हैं कुछ हो जाए, जो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, उसके बीच में एक ही लाइफ है आज। तो आज ही आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपकी एक लेगेसी छोड़ के जाए। हर दिन एक नया है और हर दिन ही आपका अपना है, बस आप इस दिन को खत्म करके सो जाए तो ये आपकी मौत हो गई उस दिन की। अगले सुबह भगवान ने उठा दिया तो ठीक है, नहीं उठाया तो
फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, पास्ट इज यू कांट ब्रिंग इट बैक, दिस इज द डेथ, द ओनली डे यू हैव इज प्रेजेंट में, ऐसा करिए हर दिन। इसलिए जब भी अपना शेड्यूल बनाइए, लाइफ लेसन है, जब भी अपना शेड्यूल बनाइए वो ऐसे बनाइए कि प्रेजेंट डे आज आप क्या कर रहे हैं ऐसा नया, आप अपने आज आपने जिंदगी में ऐसा नया क्या किया जिसने आपको एक अच्छा आदमी बनाया, दूसरों से अलग बनाया। तो लाइन लिखो, एक लाइन लिखो बड़ी फेमस, लाइफ इज द स्पैन ऑफ टाइम, लाइफ इज द स्पैन ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम अपॉइंटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट, अपॉइंटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट, लाइफ इज अ स्पैन ऑफ टाइम अपॉइंटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट। यानी लाइफ क्या है, एक समय का बुलबुला है जिसमें आपको आपके जो टास्क करने हैं, आपको ऑलमाइटी ने जो भी आपको काम दिया है उसे पूरा करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टास्क ही आपको पूरा करना है। और उसका दिन क्या है, आज। कल अनप्रेडिक्टेबल है, कौन बता सकता है, बारिश हो जाए गड्ढे में घुस जाओ, इतने सारी सीवर लाइंस है, इस कार चला रहे हो ट्रक वाला ले जाए साथ में कि चल यमुना में, 13-13 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो जाए, टाइम क्या है, ओनली फॉर टुडे, इट इज द स्पैन ऑफ टाइम अपॉइंटेड फॉर अकम्प्लिशमेंट, लाइफ इज नथिंग बट स्पून ऑफ टाइम, क्योंकि यही आपका अपना है, सच बात है यही आपका अपना है। और गुलामी क्या होती है, लिबर्टी, आजादी क्या है, आजादी वो है जब आप अपने टाइम को अपने अनुसार, अपने कामों से जो भी आपका कर्म है अपने अनुसार वेस्ट करें या अपने अनुसार जिए। अगर सोशल मीडिया ने आपको गुलाम बना लिया है, शॉर्ट्स ने, तो आप गुलाम हैं सोशल मीडिया के। अगर आप, पता चला आपको कुछ काम करना है लेकिन दोस्त का फोन आ गया, आ जा चल मॉल घूमते हैं, तो आप गुलाम हैं अपने दोस्त के, ठीक है। तो टाइम क्या है और गुलामी क्या है, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी वो है जो आपने, जो आपका टाइम है, अगर वो टाइम को आप ऑटोनोमसली यूज ना कर पाए तो गुलामी है, क्योंकि जिंदगी में यही आपका अपना है। पैसा तो मेरे पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन मैं अगर खर्च करूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा, पैसा किसी का खुद का थोड़ी ना है, ये तो कमोडिटी है, ये तो खर्च होने वाली चीजें हैं। और क्या कहेंगे, वेल्थ, अगर मान लो हैप्पीनेस की भी बात करेंगे, और सोरोनेस क्या है, दुख और खुशी, मेरे घर में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, कार है, सब कुछ है, जब मैं घर जाता हूं तो मेरे खुशी में इजाफा ये टीवी फ्रिज गाड़ी कुछ नहीं करती है, और मेरे दुख में भी ये पार्ट नहीं है, तो ये मेरी नहीं है अपनी, टीवी फ्रिज एसी गाड़ी बंगला, ये आप में के सुख दुख में कोई इजाफा नहीं कर सकती। द ओनली थिंग यू हैव इज, यही है आपका बस अपना, और यही आप किस तरह से यूज करते हैं आपकी डेस्टिनी बनाता है, यही तो है, हम इस समय जी रहे हैं, यही मेरा है, जेब में पैसे हो या ना हो, और जेब में हो तो भी क्या प्रॉब्लम है, वो भी खर्च हो जाएंगे, वो भी किसी और के हैं, ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमा लेंगे, द ओनली थिंग यू हैव इज, तो टेक इट जुडिशली। और गुलामी वही है जब आप अपनी स्वतंत्रता से अपने टाइम को यूज ना कर सके, वही गुलामी होती है। कहते हैं ना 30 साल छोड़ो, 21 साल आपने कॉलेज में बिता दिए बिना कुछ सीखे टीचरों की गुलामी में, फिर अगले 30 साल तक, 20 साल मान लो 30 साल नौकरी में बिता दिए, बाकी जो 10 साल बचे वो मैंने पीछे क्या गलती करी है उसे सोचने में बिता दिए, तो आप गुलाम हो। समझ में आया,
चलिए नेक्स्ट लाइफ लेसन, नेक्स्ट लिखो तो इसके बारे में मतलब बताएंगे। व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम, व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ प्रॉब्लम, विद अ प्रॉब्लम अ इंडिविजुअल विद स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट कीप देयर पोज। पोज का मतलब होता है कॉल्मनेस एंड कंपैशन, काल्म पोज कहते हैं, पी ओ आई एस ई पोज। यूज देयर रीजनिंग, रीजनिंग एंड सीक टू रीच, सीक टू रीच अ सोल्यूशन ऑब्टेनिंग फैक्ट, ऑब्टेनिंग फैक्ट बियरिंग द क्वेश्चन, बियरिंग द क्वेश्चन, बियरिंग द क्वेश्चन। अब सबसे हाईली इंटेलेक्ट आदमी कौन है, कौन है वो लोग जो 5% है दुनिया के और जिनके कारण एग्जिस्टेंस है। आप अगर दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देखें तो 0% है। आपने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनाई होगी जो दूसरे के यूज में आ रही हो, समझ में आया, 0% कंट्रीब्यूशन। तो 5% लोग, वो 5% लोग, तो ये लाइव स्टॉक के लेटर कहते हैं, वो 5% लोग किस तरह के हैं और उस लोगों की तरह बना कैसे जाए, एक लीडर कैसे बना जाए। तो इनका कहना है कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट का आदमी होता है वो अपना काल्मनेस कभी नहीं छोड़ता, जब भी उस पर डिफिकल्टी आएगी वो काल्म रहेगा, कंपोज रहेगा, सोचेगा, फैक्चुअल एनालाइज करेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा। जबकि अगर इमेच्योर मेंटेलिटी का आदमी होगा, चाइल्डिशनेस होगी उसमें, चाइल्डिशनेस होगी, बचकाना हरकतें जिसे कहते हैं, जब भी उस पर प्रॉब्लम आएगी तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, पागल हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। समझ में आया, लिख लो इस बात को भी। दोज ऑफ इमेच्योर मेंटेलिटी ऑन द अदर हैंड, दुनिया के ऑन द अदर हैंड व्हेन सिमिलैरिटी कन्फ्रंटेड, सिमिलैरिटी कन्फ्रंटेड दे आर ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड तो इनका कहना था कि जो जो काल्म है, कंपोज्ड है, वो अपनी डेस्टिनी और दुविधा को खुद सॉल्व करेगा। स्ट्रॉन्ग आदमी अपनी दुविधा को खुद सॉल्व करता है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर सेल्फ। आप इंसान को, इंसान को सबसे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त कौन हो पता है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त वो खुद, उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस, जिससे हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा पूछते हैं। अल्टीमेटली डिसीजन इज टेकन बाय यू, दिस वन। हर किसी पे खुद का ही एनालाइज करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त भी यही है। तो ये बुक कहती है, ये लेटर कहते हैं कि जिन लोगों में काल्म और कंपोज्ड नहीं है, काल्म और कंपोज्ड नहीं है, उन्हें भेड़ों की तरह पढ़ाना चाहिए, उन्हें सिंपल लेसन्स देने चाहिए, उन्हें बस ये बताना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बस। और गधों से कहो कि इसे पुट कर फॉर्मूले को और आंसर निकालता रहे जिंदगी भर। दे मस्ट बी टॉट सिंपल लैंग्वेज, दे मस्ट बी टॉट लाइक ए शेपर्ड शिप, भेड़ों की तरह पढ़ाओ उन्हें। और जो जो कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर सकते हो, काल्मनेस रखते हो, उन वो अपनी डेस्टिनी को खुद सॉल्व कर सकते हैं। दे आर द सॉल्वर, दे आर द सॉल्वर ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, दे कैन सॉल्व एनी रिडल, कोई भी पहेली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इन्होंने कहा अपोस्टल स्टॉक में कहते हैं
कि जो स्ट्रॉन्ग, ये मेटाफर है इसमें, इसमें ये नहीं कहना कि इसमें आप नॉन वेज को प्रमोट कर रहे हो, इनका कहना है कि जो लिटिल वंस हैं, जो बेवकूफ हैं, चाइल्डहुड हैं, चाइल्डिसनेस है जिनमें, उन्हें दूध पिलाना चाहिए। मीट खाली स्ट्रॉन्ग मैन नहीं पचा सकता है, मीट मस्ट बी कंज्यूम बाय स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये मेटाफोरिकली कही गई है यहां पर। चले आगे फर्दर, इन्होंने कहा थॉटलेसनेस, बिना सोचे समझे कार्य करना एक चाइल्डहुड चाइल्डिसनेस है, जबकि थॉटफुलनेस से काम करना, थॉटलेस से नहीं, थॉटफुलनेस से काम करना इज अ सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर आदमी सोच समझ के ही डिसीजन लेता है। आगे चलते हैं, और इसलिए ये कहा कि किसी आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई आदमी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो बहुत फेमस एक डायग्नोसिस ऑफ सिनोपी थे, उन्होंने बड़ी फेमस बात कही है, ये अलेक्जेंडर के समय पर एरिस्टोटल के साथ के, ठीक है, ये फाउंडर रहे हैं सिनिसिज्म के। सिनिसिज्म समझते हैं, हर आदमी अपने फायदे की बात करता है, उसे सिनिसिज्म कहते हैं, कहते हैं ना सिनिकल एटीट्यूड है इसका, हर किसी पे शक करना सिनिकल एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है, जो ये कहता है ना हर आदमी अपने फायदा की बात करता है, देयर इज नो परमानेंसी ऑफ फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, देयर इज ऑलवेज परमानेंसी ऑफ इंटरेस्ट, दोस्ती और दुश्मनी कोई परमानेंट नहीं है, क्या परमानेंट है, इंटरेस्ट, हो गया, यही दुश्मनी कर लोगे क्या, सिनिसिज्म। तो डायग्नोसिस ऑफ सिनोपी ने कहा है इसी के ऊपर, कि थॉटफुलनेस एंड थॉटलेसनेस के ऊपर, नो मैन इज हर्ड बट बाय हिमसेल्फ, कोई भी आदमी, उसे कोई आदमी प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई आदमी का कोई गलत नहीं कर सकता, वो आदमी खुद अपना गलत करता है। आप थॉटफुलनेस है, सोच समझ के काम नहीं करते, और कहते दूसरे ने बुरा करा, आप मूर्ख हैं, आपने खुद अपना बुरा करा। सोच समझ के काम करते हैं, आपको बुरा होगा ही नहीं। तो डायग्नोसिस ऑफ सिनोपी ने कहा नो मैन इज हर्ट बट बाय हिमसेल्फ। फर्दर आइए नेक्स्ट लाइन लिखी है, इसका मतलब देखते हैं। एवरी फ्लीटिंग मूवमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी, फ्लीटिंग जाता हुआ समय अपॉर्चुनिटी है, एवरी फ्लीटिंग मूवमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड दोज हु आर ग्रेट आर वंस हु रिकॉग्नाइज लाइफ as the opportunity of all things, who recognize life as a opportunity of all things. हर समय जाता हुआ एक अपॉर्चुनिटी है। आप ये देखिए अपना समय कहां व्यतीत करते हैं। इस बुक ने टाइम पे बड़ा फोकस किया है, और वो जरूरी भी है, इसका कहना है, और वैसे भी कि कोई भी चीज जो अपनी है वो समय है, बाकी सब किसी और का है, पैसा किसी और का है, किसी और से ही कमाते हो, खुद तो नहीं छाप रहे हो घर में, सरकार भी ऐसे खुद नहीं छाप सकती है भाई, उसका भी एक रूल है, ऐसे छाप देगी महंगाई हंगाई आ जाएगी बहुत ज्यादा। तो ओनली थिंग यू हैव इज टाइम, और हर समय एक जाता हुआ समय, फ्लीटिंग मूवमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो लीडर्स होते हैं हर समय का अपना फुल यूज करते हैं, और जो बेवकूफ होता है वो खाली क्या करता है, टाइम उसका, टाइम का गुलाम है वो, उसे हर कोई भी आदमी कंट्रोल कर सकता है, थॉट्स में लगा सकता है, उसके दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। एंड देन यू आर नॉट लिबर्ड, देन यू आर नॉट इन द फ्रीडम, आजाद नहीं है आप। नेक्स्ट लिखिए, फिर ये कहा गया कि किस तरह से अपने आप को इंप्रूव किया जाए। इस बुक में ये भी पूछा गया कि इंप्रूवमेंट का कोई तो फिनोमिना होगा, ये ठीक लग रहा तो मैं पढ़ाऊं तुम्हें, ठीक है, जरूरी है, जिंदगी जीना ज्यादा जरूरी है, पेपर निकालना उसी का एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, नॉट द एंटायर लाइफ।
पूछा गया किस तरह से जिंदगी ठीक करी जाए, क्या फलसफा हो सकता है, टाइम की बात करी तो इन्होंने कहा कि हमेशा जिन्होंने भी लेगेसी छोड़ी है ब्लेस्ड बाय द प्रॉफिट ऑफ देयर, उनके कंधे पे रखकर ही आप नया फलसफा दे सकते हैं, नई लाइफ जी सकते हैं। अलेक्जेंडर को भी अरिस्टोटल की जरूरत पड़ी, डायनोसी की जरूरत पड़ी। एक बार अलेक्जेंडर पर्शिया से जीत के आया तो डायनोसी, जो मैंने कहा डायग्नोसी से पूछा क्या ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बताया मैं पर्शिया से जीत के आया हूँ, ये भी पर्शिया गए हुए थे डायनोसी। तो अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं जीत गया हूँ पर्शिया, तो डायनोसी से कहा अच्छा मैं कल ही आ रहा हूँ मैसेडोनिया से, फिलिप द सेकंड की, फादर का नाम है अलेक्जेंडर का, फिलिप द सेकंड की हड्डियां गुलामों के साथ रखी हुई थी, पता नहीं चल रही थी कौन सी है, के फादर थे अलेक्जेंडर के। और डायनोसिस ने कहा फिलिप द सेकंड की जो फादर हैं उनकी हड्डियां गुलामों के साथ रखी हुई थी, गुलामों के साथ दफन थी, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी हड्डी गुलामों की है कौन सी हड्डी फिलिप द सेकंड की है। डायनोसिस ये बता रहा था क्या बता रहा तू जीत गया और ये है वो है, अल्टीमेटली तेरे फादर गुलामों के साथ ही लेटे हुए हैं इस धरती में ही, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा उनमें और अपने फादर की हड्डियों में, सबको इसे मिट्टी में ही मिलना है, तो ना जीतने की खुशी ना हारने का गम, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। चाइल्डहुड आदमी जीतने के बाद पागल हो जाएगा एक खुशी के बाद, बेवकूफ आदमी, और थोड़ी सी कठिनाइयों में बिल्कुल छोड़ देगा शरीर, कहेगा उठा लो मुझे अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं, बेवकूफ, चाइल्डिशनेस। परिपक्व हैं जो इंटेलेक्ट है, उन्हें ना जीतने की खुशी है ना हारने का, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट लिखो, तो पूछा गया किस तरह से जिया जाए, तो उन्होंने कहा जिन्होंने भी आर्ट्स में, साइंस में, रिलीजन में, किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया हो, आप किसी भी फील्ड से आते हैं, ब्लेस्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ देम। आप सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की बेस्ट बुक्स पढ़िए, उनके जो बेस्ट लोग हैं उनके बारे में जानिए, उन्हें पढ़िए और उनके ऊपर आज 21st सेंचुरी को ले आइए, उनकी जो नॉलेज है 21st सेंचुरी में उसमें चेंजेस कर लीजिए उसके अनुसार। अब जिस भी फील्ड से आते हैं, ब्लेस्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। जर्नलिज्म से आते हैं तो जर्नलिज्म में बेस्ट जिसने करा है उन्हें पढ़िए और उनके साथ उनके जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐड कर दीजिए, 21st सेंचुरी से उसे लिंक सिंक कर दीजिए। ये है बेस्ट तरीका जीने का, यही आदमी, यही चीजें आपको यूनिक बनाती हैं। अब जैसे एक छोटी सी बात है कि आई वाज टीचिंग इन मेडीजी, एक मेडीजी ग्रुप है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कराता है, गेट की तैयारी भी कराता है, गेट की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, मेडीजी। आजकल उन्होंने नया आईएएस भी खोला था, नेक्स्ट आईएएस, ठीक है। मेडीजी ग्रुप में वे बैक में पढ़ाता था, आईएएस तो अभी खुला है 2-3 साल पहले, ज्यादा पुराना नहीं है, कोविड के समय की बात है। तो मेडीजी ग्रुप में मैं एक पढ़ा रहा था, तो एक टीचर थे जावेद खान करके, उनसे बात हो रही थी ऐसी, इलेक्ट्रिक मशीन के टीचर थे, एक इलेक्ट्रिक मशीन एक टॉपिक होता है, आई एम ऑल्सो इंजीनियर Isn't it? लगता नहीं हो है? नहीं पता था, चलो क्या हुआ, इंजीनियर, लॉयर, दुनिया के सारे काम मैंने किए, तो क्या हुआ? खैर वहां पे मैंने जीएस पढ़ा था क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट सर्विसेज से आता था, सिविल सर्विसेज के डोमेन से, तो मैंने जीएस ही पढ़ाया था, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई थी। तो उनसे बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक मशीन के टीचर थे, तो उन्होंने कहा शशांक मेरा लड़का है ना क्या करता है, और काफी एजेड, मतलब काफी परिपक्व, तो इतने कि पूरी उनकी मतलब लोग भक्ति करते थे। तो उन्होंने कहा शशांक एक दिक्कत है, मैंने अपने लड़के को साइंटिफिक कैलकुलेटर ला के दिया, वो क्या कर रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर में खुद हीट एंड ट्रायल करता है। मैंने कहा बेवकूफ क्यों समय खराब कर रहा है, ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ ले,
इससे जो नया तुझे आए उसमें हिट एंड ट्रायल कर। ऑलरेडी तू साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही आयोटा जो इसमें होता है उसमें ही हिट एंड ट्रायल करता रहेगा तो 20 साल में नहीं सीख पाएगा इसे। इससे अच्छा जो ऑलरेडी जिन्होंने ये कर रखा है, जिन्होंने मैनुअल लिखा है इसका, उसे पढ़ ले और उसके बाद कुछ लगे तुझे सीख, कितनी अच्छी बात है। हम अगर हिट एंड ट्रायल करते सीखते रहे तो जिंदगी है बहुत छोटी, मूर्खो हिट एंड ट्रायल में पूरी जिंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं सीख पाओगे। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, उनके कंधे पे खड़ा होकर आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। खुद ही सोचोगे हाइट बढ़ा लो तो खा लो कितनी कैप्सूल, बढ़ जाए तो बता देना। एवरीवन लिखो इस बात को। तो किसी भी फील्ड में है आप, मैं यहां पे यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं खाली, किसी भी फील्ड में है आप लिखो इस बात को। ब्लेस आर द दोज हु कैन प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। Adding to that which already been built, comma, can make their inspiration real, comma, their dream practical. Can make their inspiration real, their dream practical. और ऐसे लोग जो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना क्या, बुक्स पढ़ना, अच्छे लोगों की संगत में रहना। ऐसा नहीं चार वोटा वोट का पी रहे हैं तुम्हें भी खत्म कर देंगे, एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके बाप पे हराम का पैसा है। उन्हें अपनी दो बूंद शहद नहीं बचानी है, उन्हें बस कलरफुल लाइफ देखनी है। और ऐसा भी नहीं बनना है कि खाली दो बूंद बूंदे ही बचाते रहे। छोटा सा घर है छप्पर, उसे ही को बचाने में है ये कोई चुरा ना ले, इसकी रखवाली कैसे करें, ये भी नहीं सोच रहा है। वाय मीडिया, समझ में आई। तो ब्लेस आर द दोज हु कैन प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ, और ऐसे लोग जो सीखते हैं उन लोगों को सेवियर्स ऑफ ह्यूमन रेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस दे आर नोन एज सेवियर्स ऑफ ह्यूमन, वही लोग हैं जो ह्यूमैनिटीज को, चाहे किसी भी फील्ड में हो, टीएन सेशन आईएएस ऑफिसर जिन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन रेवोल्यूशनराइज कर दिया, बहुत सारे आईएएस में है, मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन में है, जोसेफ कुरियन मिल्क रेवल्यूशन वाले हैं, पूरे मिल्क में क्रांति ले आए, स्वामीनाथन ग्रीन रेवल्यूशन, सतीश धवन आईएसआरओ, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी, ये भी तो वही लोग हैं, दे आर द सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। एवरीवन ये भी उन्हीं बुक से सीखे हैं, ये कुछ अलग से नहीं सीखे हैं, यानी अलग से इनकी स्ट्रीम लाइनिंग नहीं हुई है, ये उन्हीं एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़े हैं। इन्होंने बस 21st सेंचुरी में उसे एडॉप्ट कर लिया, सिंक कर लिया। ठीक है, एमडीयू के लेवल से बहुत ऊपर उठना है, टू बी प्रसाइज। एवरीवन चलो, नेक्स्ट फर्दर बात ये हुई आजादी क्या, तो उन्होंने कहा आजादी, लिबरेट आदमी वो है जो अपने टाइम को बचा सके, गैदर कर सके, लिबरेट कर सके अपने आप को, अपने टाइम को ऑटोनोमसली यूज कर सके, वो लिबरेट आदमी है। यानी दोस्त का फोन आया, आजा घूमने चलते हैं, काम इतना इंपॉर्टेंट था, एक ही वो एक दिन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही एक दिन खत्म हो गया, वो दिन आपने अपना मार दिया, उसमें आपकी डेथ हो गई। वो कोई बाप कितना ही कोई बड़ा आदमी हो,
वो दिन आपका वापस नहीं ले ला सकता। कितने ही बड़ी पूजा कर लीजिए, आप तांत्रिक बन जाइए, तो भी वो दिन वापस नहीं ला सकते। कितनी ही मन्नतें मान लीजिए, वो दिन आपका गया, आपकी वो मौत हो गई। पर आपने मौत क्यों करी? क्योंकि आप बेवकूफ हैं, आप गुलाम हैं उन लोगों की सोच की, आप गुलाम हैं क्योंकि आपको कोई भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है। पाइप में डालकर, वो तो ना गंदगी, पाइप में डाला, फुहारा दिया और सीधे बाहर निकल गया, टाइम गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा जहां से चला था। लिखो इस बात को, लिबरेट, लिबरेट योर सेल्फ एंड गैदर एंड सेव अप द टाइम अंटिल नाउ, अंटिल नाउ वाज बीन टेकन अवे, वाज बीन टेकन फ्रॉम यू, टेकन, लिबरेट योर सेल्फ, गैदर एंड सेव अप द टाइम विच अंटिल नाउ, यानी अब तक, वाज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू बाई फोर्स, यानी फोर्सफुली आपसे लिया गया, स्टिल्ड, चुरा लिया गया। सोशल मीडिया टाइम चुराती है, उसके एआई एल्गोरिदम ऐसे काम करते हैं कि आपको उसकी लत पहुंचाते हैं, लत लगवाते हैं, स्टीलिंग कहते हैं, टाइम को स्टील करना धीरे धीरे, ये टिक 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 टिक, पता ही नहीं चल रहा है, शॉर्ट 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 शॉर्ट, रील्स 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 रील्स, दिस इज हाउ दे आर किलिंग योर टाइम, स्टीलिंग योर टाइम, ये भी चोरी है। और आप आज ये समझते हैं हम आजाद हैं, स्टील योर टाइम एंड सिंपली स्लीपिंग अवे अननोटिस्ड, स्लीपिंग अवे अननोटिस्ड, स्लीपिंग अवे अननोटिस्ड, कोई दोस्त और कोई दुश्मन, ऐसे तो दुश्मन होते हैं वैसे, जानबूझ की पढ़ते समय फोन, बात हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, व्हाट्सएप चैटिंग हो रही है हो रही है हो रही है, स्लीपिंग अवे द टाइम, दे आर वेस्टिंग, ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके, विच आर स्नैचिंग स्टीलिंग बाई फोर्सफुली टेकिंग योर टाइम, जो कि बस तुम्हारा है। बात यह है, आदमी को जिंदगी में यही मिला है टाइम, वी आर नथिंग बट डिटरमाइंड बाई टाइम एंड स्पेस। जैसे अभी जो भी 26 तारीख है, 12 बज रहे हैं, 12:21 हो रहे हैं, तो यही मुझे डिफाइन करता है, और यही मेरा कोई छीन ले, देन आई एम नथिंग। समझ में आई बात? नेक्स्ट, और इन्होंने कहा है कि वो आदमी जो डिटरमाइंड है और जो अपना बेस्ट यूज ऑफ टाइम करता है, वो ही सक्सेसफुल है, वो ही आगे बढ़ता है। नेक्स्ट लिखिए, अब इनसे पूछा गया, अरे बेटा लाइंस हैं ये, पैराग्राफ बना दिया ऐसे की तरह, लाइंस हैं, लाइंस, आपने पैराग्राफ लिख लिया, लाइंस बोल रहे हैं, लाइंस है एक वो लिखवा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है खुद से तुम कभी नहीं पढ़ोगे, इसलिए एक एक टाइम लिखवा रहा हूं। बहुत अच्छी फिलॉसफी है और ये हर जगह पढ़ाई जाती है, हर जगह पढ़ाई जाती है, जितने भी आप टॉप के 20 स्कूल्स देखते हैं, अब बात है ना, आप उन जगह जैसे अच्छे अच्छे 20 टॉप 20 स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट के स्कूल्स हैं, ह्यूमैनिटीज के स्कूल्स हैं, फिलॉसफी के हाइएस्ट स्कूल्स हैं, वहां आप उस तरह की पढ़ाई नहीं मिली अभी तक आपको, आपने तो नाम मुझे लग रहा पहली बार सुना होगा, मुझे ऐसा तो नहीं है नाम पहली बार, हाँ मुझे पता तो बहुत पहले था, लेकिन मैंने पढ़नी 15 दिन पहले चालू की, वो अलग बात है, पता तो मुझे पहले से ही है क्या कह रहे हैं क्या नहीं, बहुत पहले से, लेकिन टाइम नहीं मिलता उसमें, लेकिन टाइम निकालना चाहिए। मैं भी रात को अपना टाइम डेडिकेट करता हूँ कुछ ना कुछ बुक पे, जरूरी है वो, कंपल्सरी है, जबकि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक, पता तो होता ही है मुझे सारी चीज, नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम्हें चलो तुम्हें क्या, और रैंक वन वाला भी 10 साल लगे उसे, 10 साल क्या 7 जन्म लगे उसे, तो हम रैंक, रैंक तो एक वो बात है, हमें बस थोड़ी सी चिंगारी मिल जाए, रैंक में कौन सी बड़ी बात है, रैंक भी निकलेंगे। लिखो नेक्स्ट, लिखो, अब आपसे
ये कहा जाए कि टाइम को सबसे ज्यादा लॉस कैसे होता है, तो बात ये है या तो आपसे चुराया जाए या तो आपसे छीना जाए। चुराया, फेसबुक, यूट्यूब, छीना जाए, दोस्त फोन कर ले बाय फोर्स कि पता चला आपसे एक आ जाए यही काम करना है तुझे, बाय फोर्सफुल भी टाइम लिया जा सकता है आपसे। लेकिन सबसे ज्यादा सेनफुल लॉस होता है वो केयरलेसनेस के कारण होता है, जब केयरलेस होते हैं, जब उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं चल रहा है जीना कैसे है। इट इज जस्ट स्नैचिंग अवे। तो लिखो, येट द मोस्ट सेनफुल लॉस, येट द मोस्ट सेनफुल लॉस इज द लॉस ऑफ केयरलेसनेस। और इन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ जो कि आपका अपना है वो फ्यूटिलिटी, बेवकूफी में, डिस्ट्रेक्शन में जाता रहता है, कम होता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। और जो आप प्राइस पे करते हैं टाइम का वो इररिवर्सिबल है, दोबारा वापस नहीं आ सकता। ठीक है, यू आर डाइंग ईच एंड ईच एवरी डे। 26 साल आपके खत्म, तो आप 26 साल मर चुके हैं, वो 26 साल कोई वापस नहीं ला सकता। और कयामत के फिर कितने, जब मौत आएगी, कयामत आ गई, तब थोड़ी ना इंतजार करोगे। मायन सिविलाइजेशन ने क्या कहा है या आईपीसीसी रिपोर्ट क्या कह रही है, तुम जिंदा रहोगे तो कयामत आएगी बेवकूफो, जिस दिन गए कयामत आ गई। ठीक है, जिंदा हो तो अजान पड़ी जाएगी, मर गए तो कुरान पड़ी जाएगी, पड़ी तो जाएगी। चलो नेक्स्ट, फोर लिखो, फॉर वी डिसीव आर सेल्फ, फॉर वी यानी हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, फॉर वी डिसीव आर सेल्फ बाई लुकिंग फॉर डेथ, हम मौत का इंतजार कर रहे हैं। वी डिसीव आर सेल्फ बाई लुकिंग फॉर डेथ विच इज अहेड ऑफ अस, वेयर एज द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ, वेयर एज द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ इज डाइंग, मर रहा है each and each day, each and every day, each and every day, each and every day, whatever part of life is behind us, whatever part of life is behind us is possessed by death. Whatever part of life is behind us, जो भी हमारे पीछे है, is possessed by death. उसकी death हो चुकी है, वो मर चुका है। ठीक है। Next आइए। Next. फिर आप कहें टाइम तो कितनी बार ऐसा होता है, होता क्या है कितनी बार, जैसे जो लोग आपको गुस्सा दिलवा सके वो आपके मास्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। जो भी लोग आपको गुस्सा दिलवा सके, आपके मन का पीस शांति भंग कर सके, दे आर द मास्टर्स ऑफ यू, दे कैन कंट्रोल यू। उन्हें कुछ नहीं करना, हल्की सी चिंगारी छोड़नी है, आप पूरे दिन पागलों की तरफ सोच रहे हो बेवकूफ, उसके बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में सोचना सबसे चीप मेंटेलिटी है, सबसे चीप, ये प्रोडक्टिव लेसनेस है, प्रोडक्टिविटी लेसनेस है, इससे जिंदगी में कोई इजाफा नहीं होता है। और आप अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं, फिर इमेजिनेशन भी ऐसी विच इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। तो जो भी लोग आपकी पीस को खो सकते हैं, जो भी आपको गुस्सा दिलवा सकते हैं, बी अवेयर दे आर द मास्टर ऑफ यू। जैसे गौतम बुद्ध की कहानी बताता हूं आपको, एक बार गौतम बुद्ध
जा रहे थे तो उनके साथ एक आदमी लग लिया और पूरे रास्ते गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। जितनी भी गाली आती हैं बीसी एमसी जो भी आती हैं गौतम बुद्ध को उसने दी। गौतम बुद्ध सुनते चले आ रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं। लास्ट में गांव आया और उस आदमी को गौतम बुद्ध को मुड़ना था तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई मैं आप आगे रास्ते चलता हूँ, आपका गांव आ गया, आप अपना चलिए। तो उस आदमी ने कहा मैंने तुम्हें इतनी गाली दी तुम पे असर नहीं हुआ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक काम करते हैं, मान लो मैं तुम्हारे घर आया और घर पे जब आया तो तुमने मेरा सत्कार करा, सब कुछ करा और लास्ट में मुझे गिफ्ट दिया ले जाने के लिए। अगर मैं वो गिफ्ट ना ले जाऊं तो क्या होगा उस गिफ्ट का? तो उस आदमी ने बोला कुछ नहीं होगा, ये यही रह जाएगा। तो लोग ऐसी आपकी गाली है उसे ले ही नहीं रहा हूं, ये आपके पास ही रह जाएगी। जो आप कह रहे हो वो आपके पास ही है क्योंकि मैं ले नहीं रहा हूं। तो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स। आपके मेंटल पीस को कोई हार्म कर सकता है, दे आर द मास्टर ऑफ यू क्योंकि आप उसे ले रहे हो, आप मूर्ख हो। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने कहा जाओ बेटा, दुनिया के फलसफे से ज्यादा तुम्हें छूट गया वो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ ले तो इन्होंने कहा है कि हर समय कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। जैसे चाणक्य कहते थे कि एटलीस्ट आदमी को एक बुक एक दिन में पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स, कॉपी पेस्ट वाली नहीं, अच्छी बुक्स, एक दिन एक बुक पढ़नी चाहिए। ये हमें कुछ सिखाती है। जैसे आपने देखा होगा लोग कहते हैं भगवद गीता वो 20 बार ही पढ़े तो एक हर दिन एक नई बात उन्हें मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। कुरान वाले भी ऐसे कहते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी फिलोसफिकल डिस्कोर्स की ये बुक है। फिलोसफी का कोर है रिलीजन, हर रिलीजन फिलोसफी का कोर है। जितनी भी जिंदगी जीने की प्रैग्मेटिक बातें हो सकती हैं वो बातें इन रिलीजन में लिखी हुई, चाहे कोई भी रिलीजन हो, क्योंकि हर रिलीजन उस सोसाइटी की फिलोसफी होती है, उस समाज का। जैसे वेस्ट एशिया की फिलोसफी कुरान है, यूरोप की फिलोसफी क्रिश्चियनिटी बाइबल है, इंडिया की फिलोसफी जैसे भगवत गीता हो सकती है, उपनिषद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो भी आप फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी आप बहुत सारी राइटिंग को सर्वे करें आप हमेशा एक आइडिया को डाइजेस्ट करें और उस पर सोचें कि मैंने जो पढ़ा है उसका क्या मतलब है। चूज वन आइडिया डेट टू डाइजेस्ट दैट डे एंड होल्ड ऑन वन थॉट फ्रॉम मैनी आई हैव रीड। यानी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उससे थॉट इंक्रीज करें, थॉटफुलनेस इंक्रीज करें एवरी डे। फर्दर मोर, और जैसे इन्होंने अरिस्टोटल, क्योंकि साथ के ही हैं दोनों, अरिस्टोटल को भी कोट करा कि अरिस्टोटल ने कहा है वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी हम वो होते हैं जो हम बार बार करते हैं, और एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, ये ऐसे मैटर ऑफ हैबिट है। इसलिए आपसे कहा जाता है आंसर लिखिए रोजाना, क्योंकि ये हैबिट में होना चाहिए आपकी, वरना पेपर में आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। इट शुड बी योर हैबिट। आप जो काम बार बार कर रहे हैं ऐसे मैटर ऑफ हैबिट वही आपको डिफाइन करता है। एक यूनिक काम कर देना एक दिन में वो आपको कुछ नहीं नया बनाएगा, हर दिन आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको प्रूव करता हो यस यू आर योरसेल्फ। कोई भी एक काम ऐसे मैटर ऑफ हैबिट होना चाहिए, वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग हो सकता है। जैसे यूपीएससी में हो सकता है हर दिन आंसर लिखना अगर यूपीएससी का सिलेक्शन लेना है, आईआईटी में हो सकता है हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करना आईआईटी के अगर पेपर दे रहे हैं, और पेपर तक के क्यों, आप इसे रियल लाइफ में ले लीजिए।
जैसे बिजनेस के लिए हो सकता है हर दिन मार्केटिंग करना, तो इट शुड बी अ मैटर ऑफ हैबिट रादर देन एन एक्ट। एवरीवन, अरिस्टोटल ने भी कहा है अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा किस में लगाएं, अदर मेंस राइटिंग में, यानी जो लोगों की ऑलरेडी जो ज्ञान उन्होंने दे रखा है उसकी राइटिंग में लगाएं, क्योंकि आप उससे एक प्लिंथ पे आ जाते हैं। आप दूसरों से एकदम अचानक से एक बुक पढ़ना ही आपकी पर्सनैलिटी को इतना अपलिफ्ट करता है, तो दूसरों से अपने आप आपका प्रिंट ऊपर हो जाता है। एवरीवन, नेक्स्ट आइए, फर्दर इसने कहा भिखारी कौन है, भिखारी, भिखारी समझते हैं ना, भिखारी। तो ये बुक कहती है भिखारी वो है जो हमेशा मांगने की चाह करता है। जैसे आप बहुत बड़े लाना है, आपकी सेल हुई हर दिन की 10,000 की सेल है, फिर भी आप दूसरे को देखकर जलते हो कि उसकी 12,000 की हुई, मेरी क्यों 12,000 की नहीं हुई, तो आप भिखारी हो। समझ में आया? क्योंकि आप हमेशा भीख के लिए मांगते रहते हो। समझ में आया? फिर कहा खुशी क्या है, उनका हैप्पीनेस। अगर मैं आप लोग यहां पे बैठे हो, आप लोगों से पूछूं, कोई एक आदमी जो वॉलंटियर बनेगा यहां पर, कौन बन सकता है? यही लीडरशिप पता चल जाएगी, कौन वॉलंटियर बनेगा? उसी चीज में भी हो सकता है, लीड करना आना चाहिए, तुम बताओ, तुम फ्रॉम द हाउस ऑफ एडवोकेट्स। इधर एक बात बताओ, लास्ट टाइम तुम खुश कब थी? रोज खुश। एक ऐसा, इन लोगों को एक ऐसा लाइफ इवेंट या इंसिडेंट बताओ, इंसिडेंस बताओ, जिनसे इन सबको मजा आ जाए, कहे क्या बात थी, कितनी खुशी की बात है। एक इंसिडेंट अभी इन्होंने कहा कि मैं लास्ट टाइम अभी खुश रहा हूं, उनसे पूछ तो ले हम कि कोई ऐसा इंसिडेंट बता पाएंगे? नहीं है, तो फिर किस बात की खुशी है? आपको वो इंसिडेंट ही याद नहीं है बचपन की? बचपन की मैं चाहता हूं आप यहां आके बोले, नहीं नहीं आइए आइए, यहीं पे लीडरशिप पता चलेगी, आओ। ऐसे बचपन में भी नहीं है? तो गौतम बुद्ध के अनुसार सारे दुख तुमने ले रखे हैं क्या? कोई तो हैप्पी मोमेंट होगा जिंदगी का, कोई तो होगा ऐसा, कोई इंसिडेंस। नीरू नहीं, ये कुछ करना कुछ वो, इनमें हैप्पी मोमेंट क्या है? कोई ऐसा मोमेंट जो सच में हैप्पी हो बचपन से लेकर अब तक, और जिसमें हम सब खुश हो सके कि क्या बात हुई है। कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट? हैप्पी मोमेंट तो ये होता है कि आपने कुछ अचीव करा हो तो बहुत खुश है, जैसे किसी का पहली बार आईआईटी में नंबर आ जाए। इसमें हैप्पी मोमेंट ही नहीं है, आपको लगता है आपके साथ और भी किसी ने? नहीं, लव हेट रिलेशनशिप नहीं। हाँ तो बताओ बताओ, तुम्हारी खुशी देख के बता रही है हैप्पी मोमेंट है तुम्हारे लिए, बोलो बोलो बोलो। मैं चाहता हूं सारा फोकस इनके चेहरे पे रहे। बोली 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 बोली, बोली।
आपको मेडल से अवार्ड मिलेगा। हां तो आप आना और अवार्ड लेके जाना। हैप्पी मोमेंट ये है, एक्सप्रेशन देखे आपने इनके चेहरे के, इट डिफाइंस द हैप्पीनेस। ऐसे नहीं कि मैंने शेड्यूल सही कर लिया, वो हैप्पी मोमेंट नहीं, बनाया हुआ हैप्पी मोमेंट है। समझ में आया? तो बात ये है कि मैं एक बार तिहाड़ जेल में सर्वे करने गया था, बहुत पहले की बात है, जनकपुरी की बात है, तब एक कराते हैं लॉ में ये सब भी होता है। तो एक कैदी ने मुझसे कहा कि जब बाहर निकलूंगा ना मैं, तो अपने बच्चों से जाके मिलूंगा, ठीक है, और बच्चों से जाके मिलकर मैं अपनी बीबी से जाके मिलकर बहुत खुश होऊंगा। उसके चेहरे पे भी वही खुशी थी। बात यह है, उसने कहा मैं तिहार जेल में रह रहा हूं, जब मैं बाहर जाऊंगा तो अपने बच्चों से मिलूंगा। सेम एक्सप्रेशन थे, जस्ट लाइक सर, वी आर लिविंग इन अ जेल, कि हमें खुशी के लिए एक मौका ढूंढना पड़ रहा है, रियलाइज करना पड़ रहा है कि कब की कहानी बताई जाए जिसमें मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो। तिहाड़ जेल में रह रहा है, हम गुड़गांव जेल में रह रहे हैं। समझ में आया एवरीवन? आगे चलो। तो फिर बात थी, क्या हुआ बेटा बात? इससे अच्छी बात हट्टा साहब आई नहीं क्या? चलिए ठीक है। तो कुल मिला के खुशी की तो बात थी, लेकिन एक्सप्रेशन बताते हैं आदमी के कौन सी खुशी की बात है, कौन सी नहीं, कौन सी बनावटी बात है, ठीक है। चलिए, तो गरीबी क्या है? गरीबी कहा कि जो आदमी हमेशा मांगने की बात करता है, जो अपने आप में परिपक्त नहीं है, खुश नहीं है, अपनी लाइन अकेले खींचने की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरे की लाइन से परेशान है, भिखारी है। हैप्पी पॉवर्टी इज एन ऑनरेबल कंडीशन। अगर आप कम पैसे में भी है लेकिन दिमाग की शांति है, खुश है, तो आप उन सारे लोगों से ज्यादा अमीर हैं जो मूर्खता में भागे हुए हैं, जो टीवी, फ्रिज, एसी, गाड़ी, बंगला इनमें लगे हुए हैं, लेकिन उनकी खुशी में इस बंगला ने कोई इजाफा नहीं करा। सोच के बस यही सोच रहे हैं, ईएमआई कैसे भरूंगा 15 तारीख की। एवरीवन, हैप्पी पॉवर्टी इज अ ऑनरेबल कंडीशन। हैप्पी पॉवर्टी यानी खुशी जब हो दिमाग में, दिस इज ऑनरेबल कंडीशन। लिखो इस बात को, पहले लिखो, इट डजंट मैटर कि हाउ मच यू हैव स्टोर इन योर ग्रेनरी, यानी आपने अनाज कितना इकट्ठा किया है, हाउ मच यू हैव स्टोर्ड इन योर ग्रेनरी, हाउ लार्ज यू हैव लेंडेड मनी और वेल्थ, आपके पास कितना पैसा और कितना आपने जमाखोरी करी है, ठीक है, कोमा देकर। इफ अ मैन इज होवरिंग ओवर अदर मैन्स प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटिंग नॉट व्हाट ही हैज acquired, not what he has acquired, but what is to be acquired,
वो ये नहीं सोच रहा है कि मैंने क्या एक्वायर करा है, मैं कैसे हर दिन को इम्प्रूव करूं, वो ये सोच रहा है दूसरे ने क्या कर लिया, दूसरे का पेपर निकल गया। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं कैसे पेपर निकालूं, वो ये सोच रहा है दूसरे का पेपर निकल गया, इसमें परेशान है। और ये नहीं सोच रहा है खुद का पेपर कैसे निकले, वो भिखारी है। वो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता, कभी उसमें हैप्पीनेस नहीं आ सकती। और इसी के आगे एक लाइन जोड़ दो, हैप्पी पॉवर्टी इज अ ऑनरेबल कंडीशन, हैप्पी पॉवर्टी इज अ ऑनरेबल कंडीशन। इतनी तेज बना दी इसके घर वाले क्या कहेंगे यार, पूरे परिवार खानदान में सबसे तेज लड़की निकलेगी ये, दूर दूर तक यादवों ने, यादव है ना, यादवों ने सोचा नहीं होगा। हैप्पी पॉवर्टी इज अ ऑनरेबल कंडीशन। कोशिश तो यही रहेगी कि आप जैसे भी बने सिविल सर्विस, तो थोड़ी आप में आग होगी तो निकाल ही देंगे, नहीं भी निकालेंगे तो आप अपने पूरे परिवार में सबसे यूनिक होंगे। आप जो भी करेंगे उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये मेरा वादा है आपसे। आप जो भी करेंगे यूनिक करेंगे, आप जो भी करेंगे उसमें आप यू कैन क्रिएट वंडर्स। चलिए बस करते रहिए, जैसा कहा है निष्काम कर्म। चलिए तो बात है हैप्पी पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ ऑनरेबल कंडीशन। तो कहा जाए कि यार ऐसे में कैसे पता लगे कि कोई आदमी उसे कितना चाहिए, अगर दूसरे से हम होल्ड नहीं करेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा हम कहां स्टैंड करते हैं। लोग ये कह सकते हैं ना, अगर दूसरे से होल्ड नहीं करेंगे आप, कंपटीशन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आप कहां खड़े हैं और दूसरा कहां खड़ा है। बोलिए यार क्वेश्चन पूछा करो, ये जो आयरनी पूछोगे इसी के जवाब मिलेगा, इसीलिए के लिए तो मैं बैठा हूं यहां पर, मैं हूं क्यों यहां पर, बुक ही पढ़ानी है तो तुम नहीं पढ़ लोगे, मैं क्यों बैठा हूं यहां पर। आयरनी पूछो ना कि अगर हम कंपटीशन नहीं करेंगे, रीस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा हम इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दूसरे को पेपर निकालते नहीं देखेंगे तो हमें कैसे होगा, हम कैसे निकालेंगे। बात यह है यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। तो इस बुक ने लिखा है द बेस्ट मेजर टू इंप्रूव योर लाइफ इज टू हैव व्हाट इज नेसेसरी, जो जरूरी है वो करिए, एंड नेक्स्ट बेस्ट टू हैव इनफ टू कीप वेल, यानी जो आप जो भी करें उससे आप अच्छा कर सके, अपने आप को वेल रख सके। अपने से ही आपको कंपिटिशन करना है, नॉट टू द अदर्स। कंपीट विद योर सेल्फ, यू आर द ऑलमोस्ट अ एंटिटी। इस ये एक आदमी नहीं है, ये एक आदमी नहीं है, आपको बचपन से ही ड्यूअलिटी में बना के भेजा गया है। दो आदमी, एक पूछता हाँ एक कहता ना, एक कहता कर एक कहता नहीं, एक कहता YouTube शॉर्ट्स देख एक कहता पढ़ना भी है, एक कहता दोस्तों से बात कर मॉल घूम, एक कहता चल अपनी जिंदगी बनाते हैं। अब कौन सा जीतता है वो आपकी जीत निर्धारित कर रहा है ना, कि आप किस पे चल रहे हैं। ड्यूअलिटी ऑफ माइंड, सोचने समझने वाला, तो लिखो इस बात को, द बेस्ट मेजर इज टू हैव व्हाट इज नेसेसरी, इज टू हैव व्हाट इज नेसेसरी, एंड द नेक्स्ट बेस्ट एंड द नेक्स्ट बेस्ट कोमा देकर टू हैव इनफ टू कीप वेल, टू हैव इनफ टू कीप वेल। अब इस इन सारी बुकों का मिश्रण मैं बता रहा हूं एक साथ आपको। अब नेक्स्ट बात ये का पूछा गया है कि दोस्त कैसा हो और दोस्त कौन होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डेफिनेशन, और आपको जान के हैरानी होगी डिक्शनरी से एक शब्द, हम ये बार बार कहते हैं कि कुछ शब्द ऑक्सफोर्ड में ऐड हुए
डिक्शनरी में ऐड हुए, कभी कोई पोष तुर्थ में ऐड होता है, कभी कोई वर्ड ऐड होता है, कभी लैपटॉप मीडिया ऐड होता है, अलग अलग शब्द ऐड होते हैं, लेकिन एक शब्द डिक्शनरी से धीरे धीरे डिलीट हो गया है। उस शब्द का नाम बता सकते हैं? उस शब्द का नाम है बेस्ट फ्रेंड। नाउ विल यू विल नॉट फाइंड इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पहले होता था। अब क्वेश्चन ये, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड? चलिए अब दोस्त भी आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता देते हैं, वो जिंदगी के लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये हेल्पफुल है, इसलिए क्लास ले रहे हैं, वरना फालतू का मेरा आदत नहीं है ये सब। बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड आपकी नजर में? एक एक से स्टार्ट करते हैं, पहले हमारी कोमल मैम बताइए। बताइए और आप बताइए बताइए, गलतियां बताए। बड़ी बड़ी बातें, बताइए बताइए आप बताइए बताइए बताइए। वो खरीद लीजिए एलेक्सा, बताइए। नहीं हाँ आप बताइए। कहिए हेलो एलेक्सा, मैं बहुत परेशान हूँ। एलेक्सा कहेगी मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछते हो। बोलिए बोलिए। दोस्त क्या होता है? ज्ञान? अरे ये रियलिटी में पूछ रहा हूँ, ऐसे फिलॉसफी में ही आंसर देंगे क्या? वो तो ठीक है, हमारी नॉलेज हमारे सब ऐसा साथ रहती है, लेकिन मैं दोस्त वैसे दोस्त पूछ रहा हूँ। वो आपने सही कहा है, लेकिन आप आगे, मैं दोस्तों के बारे में पूछ रहा हूँ। आपके कोई तो दोस्त होंगे और कोई तो आपके साथ ऐसा होगा जो जिससे आप बातें शेयर करते हो। जैसे लोग कहते हैं कि दो भाइयों में दुश्मनी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पानी में आई वेव जैसी है, खत्म हो सकती है। दोस्तों की दुश्मनी हो जाए कभी ठीक नहीं होती है वो। हाँ जी बताइए आप। अरे मतलब मैं दो बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, वो तो मुझे पता है आपके हस्बैंड बेस्ट हैं, आई नो अबाउट इट। मैं आपको पढ़ाने भेज रहे हैं, इसी में प्रूव होता है कि ही इज द बेस्ट, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम दोस्त की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं आपने अपने हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड कहा, उसके पीछे कोई रीजन होगा ना, वो लॉजिक पूछ रहा हूं मैं क्यों। यानी वो ट्रस्ट करते हैं आपका मतलब ये है। आप बताइए बेस्ट फ्रेंड ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं। बोलिए बोलिए। यूट्यूब पे सस्ता अफीम मिलता है, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे देख सकते हैं। बोलो बोलो। जज ना करें क्या? साथ खड़ा रहे, गलत सही सब में। रुक जाओ, दोनों ने कर लिया क्या पहले से मुझे? बोलो। बोलो बोलो बोलो, ऐसे शरमाने से थोड़ी ना काम चलेगा, अंसा शरमाना थोड़ी ना हो सकता है। बोलिए बोलिए जल्दी। पुलिस वाला पाल लीजिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आप बताइए बताइए बताइए, हमें तो गलत बताए, हमें कानून का पाठ पढ़ा है। बताइए बताइए बेस्ट फ्रेंड अनकरेज करे, कोई डेफिनेशन नहीं है, दोस्ती नहीं मिले लाइफ में क्या? राइट एडवाइस दे, अच्छा माता पिता भी देते हैं वैसे तो। चलिए इस बुक का कहना है बेस्ट फ्रेंड वो है कि आप जितने भी प्रॉब्लम्स में हो,
कभी भी प्रॉब्लम हो, आपके कॉन्फिडेंस बन के खड़ा रहे कि ये कहे कि यार मैं खड़ा हूं तो दिक्कत क्यों ले रहा है, कर काम, कर ये काम। ये है बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन, ही इज द कॉन्फिडेंस इन यू। गलत करे, गलत करो तो कह भी दे गलत है, और सही करे तो ये कह भी दे कि ये अच्छा हो रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस है। कभी भी आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो, कभी भी आप बिल्कुल मुरझाए हुए हो, डिप्रेस्ड हो, तो वो ये कहे अरे तू टेंशन क्यों ले रहा, तू इतना टैलेंटेड आदमी है, यू कैन डू एनीथिंग, कॉन्फिडेंस इन यू। और मुझे ऐसे लोग मिले हैं बहुत, ऐसे लोग ढूंढिए जो आपका कॉन्फिडेंस हो। राइट रॉन्ग तो कुछ भी नहीं होता, एलेक्सा भी बता देगी, दुनिया को भी बता राइट रॉन्ग क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस भी बताता है सही और गलत क्या है। ठीक, लिखो इस बात को, अ फ्रेंड इज वन हु एक्ट एज ए कॉन्फिडेंस फॉर यू। कॉन्फिडेंस इन यू एंड फ्रेंड, सो रियल फ्रेंड सो देयर लव इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपके साथ खड़ा रहे, उसी में तो कोई भी खड़ा हो सकता है। आईएएस बन जाए तो कुत्ते का भी बर्थडे मनाया जाएगा। ठीक है, अ फ्रेंड सो देयर लव इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। और सच बताऊं, अच्छे दोस्त होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छे दोस्त होना, अब इस पे भी एक आगे बात बताएंगे, पहले ये लिख लो। तो अ फ्रेंड सो देयर लव इन टाइम्स ऑफ ट्रबल नॉट इन हैप्पीनेस एंड द लाइफ हैज नो ब्लेसिंग्स, द लाइफ हैज नो ब्लेसिंग लाइक अ प्रूडेंट फ्रेंड। Like a prudent friend, life has no blessing like a prudent friend. अच्छे दोस्त से अच्छा पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। एक बुरा दोस्त आपको इतने गड्ढे में ले जा सकता है कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए, एक अच्छा दोस्त आपको इतना ऊपर ले जा सकता है कि he can become confident of you, confidence of you. आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि आप ऐसे दोस्त भी मत रखिए जो आपकी खाली हां में हां मिलाए, आप चले तो वो चले, आप चुप हो तो वो चुप हो, आप बोले तो वो बोले, इससे अच्छा काम तो शैडो कर लेगी आपकी। द शैडो वर्क्स मोर देन अ बेस्ट फ्रेंड देन। आप चलते हो तो वो भी चल रही है, आप बोल रहे हो तो वो भी बोल रही है, आप हंस रहे हो तो वो भी हंस रही है। ऐसे लोग धूर्त होते हैं, ये आपकी लाइफ को कभी इंप्रूव नहीं करेंगे, कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो खाली आपसे चिकनी चुपड़ी बात करते हो और जो खाली आपको आपको आपकी हां में हां मिलाते हो, आप उनसे कोई नया नहीं सीखते हैं। जो आपके क्रिटिकल हो उन लोगों के साथ बैठना भी जरूरी है, क्योंकि वो आप बताते हैं आप में रियल कमी क्या है, उन्हीं से आप इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे कोई होता है ना क्लास में, एक दुश्मनी हो जाती है उसके साथ, आप सबसे कम बात करते हैं, गलत है, वही आपको रियल यू बताएगा कौन है। ठीक है, एवरीवन लिखो इस बात को, आई डोंट नीड अ फ्रेंड हु चेंजेस व्हेन आई चेंज, हु नोड्स व्हेन आई नोड, हु नोड्स व्हेन आई नोड। My shadow does that much better. मेरी परछाई उससे ज्यादा अच्छा काम करती है। Everyone, ठीक है, next, लोगों के बारे में ये books बताती हैं। लोगों के बारे में ये बुक बताती है कि लोग जो होते हैं वो धूल की तरह है, मिट्टी की तरह है। किसकी तरह है? मिट्टी की तरह। जब लोग आपके पास आते हैं, और मैं एक बात बताऊं, लीडर्स और भेड़ में फर्क होता है।
लीडर और भेड़ में एक कुत्ता पूरे भेड़ों की हर्ड को चला देता है। कभी देखा है आपने भेड़ों को चलते हुए? कुत्ता चलता रहेगा और कहेगा सीधे खड़े रहो, और सारी की सारी 500 भेड़े एक साथ चलेंगी। भेड़ और लीडर्स में फर्क होता है, समझ में आया? तो लोगों की बात कर रहे हैं, इन भेड़ों की बात कर रहे हैं। तो भेड़ जो लोग होते हैं, इट इज लाइक डर्ट, ये बुक कहती है कि दे आर लाइक डर्ट, मिट्टी होती है। मिट्टी दो काम कर सकती है, वो पौधे को पसीज भी सकती है और एक पौधे को वृक्ष बनने में हेल्प कर सकती है, और ये भी कर सकती है पौधों की पत्तियों पे बैठ जाएं, फोटोसिंथेसिस रोक दें और पूरे पौधे को मार दें। दोनों काम हो सकता है, वो से सीज भी सकती हैं, वो से खत्म भी कर सकती है। तो बी वेयर ऑफ द शिप, लोगों से बच के चलें। लिखो इस बात को, पीपल आर लाइक पीपल्स आर लाइक डर्ट, दे कैन ईदर नरिश यू, दे कैन ईदर नरिश यू, दे कैन ईदर नरिश यू एंड हेल्प यू ग्रो एज ए पर्सन, हेल्प यू ग्रो एज ए पर्सन, और दे कैन स्टंट योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ खत्म कर दे वो, दे कैन स्टंट यू योर, दे कैन स्टंट योर ग्रोथ एंड मेक यू विट एंड डाई, आपको खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। दे कैन मेक यू विट एंड डाई। फर्दर, किस तरह के लोगों को लोग खराब कर देते हैं, सुनना इस बात को। बुक कहती है, ये लोग बुक बताती हैं कि चाइल्डहुड, बचपन बुरा नहीं है, बचकाना बुरा है, चाइल्डनेस बुरा है, ठीक है? और ऐसा चाइल्डनेस बहुत दिन तक परसिस्ट करे तो इट कैन डिस्ट्रॉय यू, इट कैन स्नैच अवे फ्रॉम योर जॉयफुल एंड स्टेट ऑफ माइंड, आपसे आपका दिमाग जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसी के आगे एक लाइन और लिख लो, फॉर इट इज नॉट द चाइल्डहुड, इट इज नॉट द चाइल्डहुड बट चाइल्डिशनेस, कोमा देकर, अ मच मोर सीरियस डिफेक्ट That still persist. अभी कैसे बर्बाद कर सकती हैं? Let me prove. यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां तक क्लियर है? थोड़ी कंटेम्पलेट हुआ दिमाग। बात यह है कि बच्चे देखे होंगे चाइल्डनेस क्या होती है, अभी मैं बताता हूं। बच्चे देखे होंगे छोटी छोटी बात पर डर जाएगी, जैसे कभी कहेंगे पंखा बंद कर दो, उन्हें ऐसा लगेगा पंखा ना गिर जाए, समझ में? छोटे छोटे अंधेरा, बच्चा हो सकता है अंधेरे से डर जाए, अंधेरे से बच्चे डरते हैं कितने, और छोटे बच्चे हैं जो इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं, एसी चल रहा तो एसी चल जाते हैं, कभी कभी खिलौना चलता है ये वाला हिलने डुलने वाला, तो उससे देख के रोने लगते हैं, उन्हें लगता पता नहीं क्या है ये, नहीं, बेबीज बिल्ड देयर इमेजिनरी वर्ल्ड, और इसके कारण वो उससे डरते हैं। जो चाइल्डिशनेस बिहेवियर है वो भी अपनी इमेजिनरी दुनिया बना लेता है, और इमेजिनरी दुनिया कैसी? दूसरे के लिए, दूसरे के ऊपर, ये ऐसा है, वो वैसा है, और सिंपल सी बात है, ये मेरा बुरा कर रहा है, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। इसके कारण हमारा बिहेवियर चाइल्डिश बन जाता है, हम अपना जो काम है वो नहीं करते, पूरे दिन ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आई बात? लिखो इसको भी। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ ट्रिवियल थिंग्स बट बेबीज
फियर इमेजिनरी वंस, बेबीज फियर इमेजिनरी वंस, इमेजिनरी वंस। नेक्स्ट देखो, इंटेलेक्चुअल मैन, यहां पे वुमेन्स भी आती है, रियलाइज वी शुड नॉट फियर, हमें डरना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फियर बिकॉज दे ब्रिंग सो मच फियर विद देम, दे ब्रिंग सो मच फियर विद देम। अब ये होता क्या है आईएएस के लेवल में, क्या होता है, हम यूपीएससी से डरने लगते हैं, एक बार पेपर नहीं लिखला, दो बार नहीं लिखला, तो हम अब दिमाग में अब एक इमेजिनेशन आ गई हमारी कि हम इसके लिए नहीं बने, एक इमेजिनेटिव वर्ड, और उस इमेजिनेटिव वर्ड, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज थिंकिंग, वो जो सोचता है होता भी वैसा ही है। उस इमेजिनेटिव वर्ड को हम जब सोचते हैं तो वो हम पे हावी हो जाता है, दिस इज द प्रॉब्लम। बच्चा देखा होगा इमेजिनेटिव वर्ड बना देगा, उससे डरता रहेगा, कहेगा एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, उसे ऐसा लगता है पंखड़ी बाहर आ जाएगी, इमेजिनेशन आएगी तो आएगी, जाना तो सबको है, आएगी तो आएगी, लेट इट बी। फर्दर आप इसलिए डर रहे हो, इमेजिनेशन इसलिए कर रहे हो कि बाद में बुरा होगा, इसलिए तो कर रहे हो कि अभी, जैसे कितने लोगों को ये हो सकता है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, नहीं निकला तो क्या होगा, इमेजिनेटिव है, अरे नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें होंगी, इतनी स्किल्स और इतनी नॉलेज आ जाएगी, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप क्यों डर रहे हो, क्योंकि आपने एक इमेजिनेटिव वर्ड बना दिया और उस पर वर्क भी नहीं कर रहे हो, और वो इमेजिनेशन और ज्यादा बढ़ता रहता है, निगेटिव होता रहता है, क्योंकि आप हर दिन अपना मार रहे हो, आपने पीछे वाला हर दिन मार दिया ये सोच सोच कर, आगे वाला हर दिन मार रहे हो क्योंकि आपको लगता है आप इमेजिनेशन में हो, पीछे वाला मार दिया आगे वाला मार रहे हो, और ये नहीं सोच रहे हो कि सबसे बड़ी जो कयामत आने वाली है वो मौत है, उससे बड़ा तो कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकता, वो तो आनी ही आनी है, उससे नहीं डर रहे हो, उससे नहीं डर रहे हो कि वो आने से पहले मैं ऐसा क्या कर जाऊं जो एक लेगेसी छूटे, एक आई विल बिकम ए लेजेंड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है, 26 साल मार दिए, मुश्किल से और 30-35 साल, 40 साल, जिनके 26 साल मार गए, 35 साल मार दिए, और 20-30 साल, 50 साल, अरे 100 साल जीवाऊ मुझे, दीर्घायु भवा। जो तो वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसे आप नहीं देख रहे, इमेजिनेशन में जी रहे, फियर ऑफ एवरीथिंग, एंड यू हैव मेक द प्रोपेंसिटी ऑफ इट, कितना बड़ा बना लिया आपने, और आप ये नहीं सोच रहे हो कि उससे पहले इससे बड़ी तो कोई विपता नहीं आएगी, कयामत तो आपकी उसी दिन आ गई जिस दिन मौत आ गई, उससे बड़ी विपता दुख नहीं आएगी कोई, और वो अनप्रेडिक्टेबल है, हाथ में भी नहीं है आपके, जो हाथ में है उससे डर रहे हो, और जो हाथ में नहीं है उससे नहीं डर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बाइक आपके हाथ में हो आप चलाओ तो ज्यादा डर लगेगा या कोई और चलाएगा तो ज्यादा डर लगेगा, कोई और लगेगा, क्योंकि हाथ में आपके कंट्रोल नहीं, यहां तो हाथ में कंट्रोल, उसके बाद भी आपको ज्यादा डर लगता है, क्योंकि नॉट, यू आर नॉट थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, यू मे, यू आर इमेजिनेटेड बाय द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड फियर ऑफ इट, बच्चों की तरह चाइल्डहुड बिहेवियर, चाइल्डिशनेस, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, लिख लो, नो सफरिंग इज ग्रेटर, नो सफरिंग इज ग्रेट इफ इट हैज एन एंड, यानी उसका अगर अंत हो सकता हो, नो सफरिंग इज ग्रेट इफ इट हैज एन एंड, डेथ इज कमिंग टू यू, death is coming to you, it would have been worth fearing
इफ इट कुड को एग्जिस्ट विद यू. तो डरना है तो एक ही चीज से डरो. इफ हेड विद वर्थ इफ वुड हैव बीन वर्थ फियरिंग इफ इट कुड को एग्जिस्ट विद यू. हर दिन इफ इट कुड को एग्जिस्ट विद यू. तो ये कहती है कि हैप्पीनेस खुश रहने का एक ही तरीका है ना, खुश रहने का एक ही तरीका है. गौतम बुद्ध तो खाली दुख बताते हैं, उसका बताते भी उपेक्षा भाव, पैशनलेसनेस. लेकिन बात ये है प्रैक्टिकलिटी में पैशनलेसनेस पॉसिबल नहीं है. हम कैसे कह सकते हैं हम उपेक्षा भाव है, हमें पैशनलेसनेस है, मिठाई देखकर हमें खाने का मन नहीं करता, कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं यॉच देखकर खरीदने का मन नहीं करता? कैसे कहते हैं बड़े बंगले में रहने का मन नहीं कर सकता? पैशन इज देयर एवरीवेयर, पैशनलेसनेस तो नहीं हो सकता. तो ये खुश रहने का एक तरीका बताती है. द ओनली वे टू हैप्पीनेस इज सीज टू वरी. रुक जाओ, पहले पूछ लो, सुन लो. सीज टू वरी अबाउट द थिंग्स विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ यू. यानी वो चीज जो आपके बस में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दो. समझ में आया? अब मैं किसी के बारे, अगर मान लो किसी ने मेरे साथ बुरा करा, ठीक है, उसके भी रीजन बताएंगे ये बुक क्या कहती है उसके बारे में. एक इंटेलेक्चुअल वर्ड पर्सन किस तरह से एक्ट करेगा जब आपके साथ कोई बुरा करे, ठीक है, अभी देखेंगे. लेकिन अभी बात करती है हैप्पी रहने का तरीका क्या है. तो ये कहती है कि जो चीज आपके बस में ना हो. अब मान लो किसी ने तो आपको गुस्सा दिलवा दिया, ठीक है, अब आप क्यों ले रहे हो कि आपने आपको उसने गुस्सा दिलवा दिया? आप इतना सोच ही क्यों रहे हो? व्हाई यू आर वरिंग अबाउट इट? तो बात है जो भी चीज आपकी बियॉन्ड योर पावर है, बियॉन्ड योर विल है, जो आपके अंदर तक नहीं है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है. देन यू आर हैप्पी. लिव इन द प्रेजेंट टाइम. ये अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो मर चुका है. हर दिन यूनिक होना चाहिए. आज जाकर ही हर दिन की स्टार्टिंग, सुबह उठ के ही हर एक नई एनर्जी की स्टार्टिंग, वो एनर्जी जो पूरे दिन और फिर ऊपर वाले से अगले दिन उठ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, एक और नया दिन मिल जाए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि मिल गया. और जो चला गया उसके बाद सोचना नहीं, वो तो भविष्य हो गया, वो तो भूतकाल हो गया, मर गया वो दिन, ठीक है. तभी हमारे कितने फिलोसोफिस्ट ने कहा है जब उठो तब सही सवेर. अब ये मत सोचो क्या आपने 26 साल बिता दिए, 35 साल बिता दिए, 21 साल बिता दिए, 22 साल बिता दिए, 19 साल बिता दिए, वो तो गए, उनकी तो डेथ हो गई. अब आगे क्या? और आगे में भी आज क्या, कल का किसको पता है? आज आज आप यूनिक क्या ऐसे कर रहे हो? तो लिखो, दे जो ओनली वन वे टू हैप्पीनेस वन वे ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट द थिंग्स अबाउट द थिंग्स विच आर बियॉन्ड Beyond the power of our power or our will or our will. ठीक है. Further, अब एक चीज और है. डिस्ट्रक्शन क्या है? मतलब कितनी बार, अगर एक बात बताओ, आप डिस्ट्रेस्ड परेशान इंटरनली होते हो एक्सटर्नली होते हो? पक्का इंटरनली आप डिस्ट्रेस्ड होते हो, डिस्टर्ब होते हो, या एक्सटर्नली होते हो? सबको पता है इंटरनली होते हैं. जैसे इस पे कहानी सुनाता हूं लैला मजनू की. एक बार मजनू को पता चला कि लैला का कुत्ता भाग गया लैला से. वारिस शाह ने ये कहानी लिखी है लैला मजनू की. हीर रांझा सुना होगा, पंजाब में बड़ी फेमस है.
तो लैला का कुत्ता भाग गया, तो मजनू कुत्ते को दौड़ा दौड़ा पकड़ने गया, कुत्ते को पकड़ के लाऊंगा। कुत्ता क्या करा, कुत्ते ने एक मस्जिद में घुस गया और मस्जिद में नवाजी बैठे थे उनके ऊपर छलांग मारता हुआ आगे चला गया। लैला मजनू ने भी देखा ना आओ ना ताओ, जितने भी नवाजी थे उसके ऊपर चढ़ चढ़ के कुत्ते को पकड़ने चला गया। अब सारे नवाजी परेशान और गुस्से में सब आ गए, मजनू को आज हड्डी तोड़ देंगे उसकी। मजनू के पास जब वो आए, क्या कर रहे बेटा, मजनू के पास जब वो आए और उन्होंने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि नवाज करते हुए मैं डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। उसने कहा अच्छा मैंने डिस्ट्रैक्ट करा है, मैं तो लैला के कुत्ते में इतना मग्न था मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग नवाज पढ़ रहे हो। लेकिन आप किस तरह के लोग हो कि ऊपर वाले को याद कर रहे हो और आपको उसे भूलकर आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो। मैं तो लैला का कुत्ता पकड़ रहा था, मुझे याद ही ना रहा कि मैं आपके ऊपर से चला गया, मैंने देखा ही नहीं आपको, मैं तो कुत्ते पे ध्यान था मेरा। आपका ध्यान कैसा है, ऊपर वाले को याद करते हुए भी आपको मजनू और कुत्ता दिख गया, ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं दिखा। तो डिस्ट्रक्शन इज बाय इंटरनल, ये हम खुद करते हैं और कहते हैं कि दूसरे ने डिस्ट्रक्ट कर दिया, दूसरे ने डिस्टर्ब कर दिया। लिखो इस लाइन को, ये छोड़ो, ये तो समझ ही गया ना डिस्ट्रक्शन, बस यही लिख लो डिस्ट्रक्शन इज इंटरनल। नेक्स्ट क्या फलसफा है इसका, क्या फिलॉसफी है, दूसरी चीज। नेक्स्ट चीज क्या है, आप कहते हैं कि जिंदगी में आपको बहुत लॉस हुए, आपको बिजनेस में लॉस हो सकते हैं, आप किसी के घर गए हो उसने आपका कोई बहुत मेंटली लॉस किया हो, बहुत सारी लॉस हो सकते हैं जिंदगी में, पढ़ाई जब करते थे पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहती है कि जब तक आप जिंदा हो हर दिन एक नया दिन है। अगर मान लो बिजनेस कोई खराब कर गया तो आप फिर दोबारा उठा सकते हो, आपके शुरुआत के 21 साल कोई खराब कर दिया अब कर सकते हो। तो जब से आप स्टार्ट करेंगे आपका आपकी जिंदगी वहीं से स्टार्ट होगी। लिख लो इस लाइन को, द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल टू लिविंग इज एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी ऑब्स्टेकल टू लिविंग इज एक्सपेक्टेंसी विद विच हैंग्स अपॉन टुमारो, विच हैंग्स अपॉन टुमारो, कल की सोच रहे हैं एंड लूजिस टुडे, आज को खो दिया, कल की सोच रहे हैं क्या होगा और आज हमने खो दिया, लूजिस टुडे। यू आर अरेंजिंग यानी हम हर चीज को अरेंज कैसे करते हैं, यू आर अरेंजिंग वाट लाइज इन फॉर्चून कंट्रोल, वाट लाइज इन द फॉर्चून कंट्रोल, यानी हम भविष्य को अरेंज करने में लगे हैं और जो किस पे टिका हुआ है फॉर्चून, उसे कोई नहीं जानता क्या होगा कल, कोई जानता है क्या होगा कल, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को, या नेचुरल फिनोमिना, कितने सारे तो फिनोमिना नेचुरल है, मान लो कितनों को आ जाना था बारिश हो गई, नेचुरल फिनोमिना, और वो चीनी के बने हुए थे पिघल जाते, ऐसा भी हो सकता है एवरीवन। तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जो फॉर्चून पे डिपेंडेंट है, एंड व्हाट यू आर लूजिंग टुडे, उसके ख्याल में जो आज को कंट्रोल कर सकते हैं वो छोड़ देते हैं आप। तो लिख लीजिए, यू आर अवेंडिंग व्हाट लाइज इन योर्स एंड व्हाट यू लुकिंग एट, जो आप देख रहे हैं और जो आप आपके सामने है, अवेंडिंग व्हाट लाइज इन योर्स व्हाट यू लुकिंग एट, फॉर्चून कंट्रोल्स एंड अबेंडनिंग, खत्म छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं,
वाट लाइज इन योर्स एंड वाट यू लुकिंग एट टू वाट गोल यू आर स्ट्रेनिंग, जिसके लिए आप सोच रहे हैं उसे भविष्य में छोड़ दिया, आज कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, स्ट्रेनिंग. द होल फ्यूचर लाइज इन अनसर्टेनिटी, पूरा भविष्य अनसर्टेनिटी पे है. द होल फ्यूचर लाइज इन अनसर्टेनिटी. तो इसका एक ही कहना है, लिव इमीडिएटली, अभी से जिंदगी जीने का तरीका बदलना है. लिव इमीडिएटली, आज जीना है, आज वो काम करने हैं जो आपकी जिंदगी को अच्छा करें, कल नहीं. हर दिन बस इतना सोच लो कि जितना सोचना, क्या होता भी है सोचने से, क्या होता है कि हर दिन आपने जो वेस्ट करा है वो आपकी उस दिन की मौत है जो कभी वापस नहीं आ सकती, आपने उसे खत्म कर दिया. नेक्स्ट आइए, लोग सुबह और शाम करते हैं, उम्र ऐसे ही तमाम करते हैं. सुबह आता है तो रात का इंतजार करते हैं, रात कभी तो ये काम करते हैं, रात होती है तो सुबह का इंतजार करते हैं अगले दिन का, कि सुबह कब होगी तो ये काम करते हैं. और ऐसे में पूरी लाइफ, क्या हुआ भाई, तो दे लूज द डे इन एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नाइट एंड द नाइट इन द फियर ऑफ डे. सुबह आएगी, रात होगी तो सुबह को करूंगा, और सुबह होगी तो रात का इंतजार करूंगा. ठीक है, सुबह शाम ऐसे ही तमाम करते हैं. नेक्स्ट, जो वाइस मैन है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये हर जगह पढ़ाई जाती है, 20 टॉप 20 स्कूल्स में पढ़ाई जाती है. जो ढंग के लोग हैं, इलोन मस्क जैसे ढंग के लोग, जो टॉप ऑफ द नॉच है, उन लोगों ने ऐसी चीज रोजाना हर दिन पढ़ते हैं. एक पढ़ने का तरीका भी बनाना है, एक अच्छा इंसान भी बनना है, एक इंटेलेक्ट, जैसे बुद्धिजीवी कहते हैं, आदमी होमो सेपियन है, सेपियन का मतलब ही थिंकिंग एनिमल है, और जो सोचता नहीं वो खाली एनिमल है. समझ में आए बात? तो ये लाइन कहती है कि वो आदमी बहुत समझदार है, ही इज अ वाइज मैन, जो जो चीज उसके पास नहीं है या उससे खो गई उसके उसके बारे में सोचता है, वो आदमी बेवकूफ है. और जो वाइज मैन होता है, जो चीज उसके पास नहीं है या जो चीज उससे खो चुकी है उसके बारे में वो नहीं सोचता. वो क्या सोचता है? जो वो सोचता भी नहीं, वो रिजॉय करता है जो चीज उसके पास है. समझदार आदमी, वो इंटेलेक्चुअल आदमी है. तो लिखो इस बात को भी, He is a wise man who does not grieve for the thing. He is a wise man who does not grieve for the thing which he has not, but rejoices for those. Which he has. एक कहानी सुनाते हैं इस पे. एक राजा थे हमारी इंडिया में, गौतम बुद्ध के समय की कहानी है. क्योंकि बात है, इंटेलेक्चुअल जो पीरियड होता है उसकी एक लेयर होती है, एक वेव होती है. तो एक गौतम बुद्ध वाला पीरियड था, एक भक्ति मूवमेंट वाला पीरियड था, और एक पीरियड अब चल रहा है. ठीक है, अर्बनाइजेशन के साथ लोगों की बुद्धि का भी इंक्रीज होता है, बुद्धि का भी विकास होता है. और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इस समय इंटरनेट रेवोल्यूशन है, जो जिसका हम पार्ट भी हैं, जिसने नॉलेज और ज्ञान को जगह जगह तक पहुंचा दिया है. तो एक बहुत पहले की बात है, इसी पे कि वाइस मैन क्या होता है. तो राजा ने कहा, अपने मंत्री को बुला के कहा, वो गया था घूमने, तो उन्होंने देखा लोग बड़े दुखी हैं, कोई कुछ कंप्लेन करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है. राजा ने कहा लोग दुखी क्यों हैं? अपने मंत्री को बुला के पूछा कि लोग दुखी क्यों हैं? मंत्री ने कहा आप एक काम करिए, एक सिपाही को बुलाते हैं और उसे 1,000 सोने की मुद्रा दे देते हैं.
राजा ने कहा ऐसे वो खुश हो जाएगा? तो मंत्री ने कहा हाँ वो बिल्कुल खुश हो जाएगा, 1,000 मुद्रा दीजिए आप, बिल्कुल खुश होगा वो, कौन नहीं खुश होगा, 1,000 मुद्रा होगा। तो राजा ने बुलाया सिपाही कि आजा इधर आजा, और उसे 1,000 मुद्रा दे दी। 1,000 मुद्रा वैसे उसने मंत्री को दी थी और मंत्री से कहा था सिपाही को दे दे, डायरेक्ट तो डील करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मंत्री ने क्या करा, 1,000 मुद्राओं में से 1 मुद्रा निकाल के जेब में रख ली और 999 मुद्राएं उस सिपाही को दे दी। सिपाही पूरा खुश कि ऐसे ऐसे करके घर गया खुद बिल्कुल, और अपनी बीवी से जाके कहा कि 1,000 मुद्राएं मिली हैं मुझे। बीवी बिल्कुल खुश, 1,000 मुद्राएं सोने की, जिंदगी में नहीं सुना था उसने कि 1,000 मुद्राएं कभी घट्टा कर पाएंगे, वो कभी नहीं सोचा था, पूरा खुश। और क्या करा, दोनों ने अब गिनना चालू करा तो 999 मुद्राएं निकली, 1 मुद्रा नहीं निकली। अब दोनों परेशान कि 1 मुद्रा कहां चली गई। बीबी ने कहा तुम यही करते हो हमेशा, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां रहता है, कभी ध्यान दिया ही नहीं तुमने इस पे। और वो भी परेशान कि यार 1 मुद्रा किसी चोरी तो नहीं कर ली किसी ने, कहीं उस पे सारी 999 मुद्राओं पे तो उसकी नजर नहीं है। वो भी परेशान, पूरी रात भर टॉर्च लेकर दिए की लाइट लेकर पूरे जंगलों में ढूंढते रहे 1 मुद्रा। अगले दिन मुंह उतरा हुआ राजा ने देखा कि मैंने इसे कल 1,000 मुद्राएं दी थी, ये तो बड़ा खुश होगा। राजा ने उसे बुलाया और मंत्री से पूछा कि यार ये मूर्ख तो अभी भी दुख में है, इसे तो कल मैंने 1,000 मुद्राएं दी थी और तुमने कहा था खुश हो जाएगा। तो मंत्री ने उस आदमी को बुलाया कि दुखी क्यों है, कहने लगा मेरी 1 मुद्रा खो गई। तो मंत्री ने निकाल के दी 1 मुद्रा, कह ले रख, लोग उस बात पे ज्यादा दुखी हैं जो उनके पास नहीं है, उस बात पे ज्यादा दुखी हैं जो उनके बस में नहीं है, इस बात पे नहीं खुश है कि जो उनके पास है। दिस इज द प्रॉब्लम। समझ में आई बात? चलिए, वैसे मैं एक गुरु बन सकता हूं ना, है बन सकता हूं ना, काम चालू कर दिए नहीं। वैसे तो ये लाइफ लेसन्स मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, वो तो जोक सपाट जो हम बात कर रहे हैं, ये तो लाइफ लेसन्स है कि आप एक परिपक्व आदमी बने, जो हम भी एक चाहते हैं कि एक समझदार और लीडर ही एक आदमी कुछ भी कर सकता है, वरना भेड़ चाल है बेटा। कहां इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप कितना कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन खुद से करना है, हर दिन कंपटीशन करना है खुद से, हर दिन एक नया काम करना है जो आपको रात को सोने में आपकी नींद को और बढ़ावा दे, आपको एक सोलेस दे, एक कंपैशन दे, एक परिपक्वता दे, जिसे फुलफिलमेंट कहते हैं। चलिए, ठीक है, फर्दर कुछ लोग देखे होंगे आपने, बहुत ही अय्यार और चलाक, ठीक है, पूजा पाठ बहुत ज्यादा रिलीजियस, उसके बारे में भी इस बुक ने कहा है। और वो कहती है कि अगर भगवान है, कोई भी भगवान है, और अगर आप वर्चुअस हैं यानी अच्छे इंसान हैं, आप अपने कर्म करते हैं, तो आप भगवान की पूजा करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो भगवान आपके साथ है। लेकिन भगवान ऐसा है कि उसे पूजा करने में ज्यादा रुचि है कि भगवान को मानते आप कैसे हैं, और वो अनजस्ट है, तो ऐसे भगवान को आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ही अनजस्ट है, वो फरेबियों को रिलीजियस तो बहुत दिखा रहे हैं लेकिन एक नंबर के आतंकी, तो ऐसे भगवान को आपको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान नहीं है, दानव की पूजा कर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर भगवान है ही नहीं तो भी अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो भी आपने जिन जिन लोगों की लाइफ चेंज करी है, वो लव वंस हमें हमेशा आपको याद रखेंगे। तो आप वर्चुअस हैं
आप भगवान को ज्यादा समय नहीं देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपके साथ है। अब भगवान ऐसे लोगों के साथ है जो नॉन वर्चुअस है, तो आपको ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अच्छे हैं और भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, तो भी आपको याद रखा जाएगा जो उन लोगों के द्वारा जिनकी लोगों की जिंदगी आपने अच्छी करी है, बाय द लव वंस एंड लेगेसी विल बी लेफ्ट फॉर फॉरएवर। ठीक है, लिखो इस बात को, लिव अ गुड लाइफ, लिव अ गुड लाइफ। इफ देयर आर गॉड्स एंड दे आर जस्ट, दे आर जस्ट, भगवान है और अगर वो न्यायप्रिय भी है, जस्ट भी है, जस्ट, देन दे विल नॉट केयर अबाउट, देन दे विल नॉट केयर अबाउट हाउ यू डिवोट, यानी आप कितना, हाउ यू डिवोट डिवोट बट गॉड विल वेलकम यू ऑन द वर्च्यूज, यानी जो अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, ऑन द वर्च्यूज यू हैव लिव्ड बाई, यू हैव लिव्ड बाई। फर्दर, इफ दे आर आर गॉड्स, इफ दे आर गॉड्स बट अनजस्ट, अगर भगवान है और वो अनजस्ट है, यानी न्यायप्रिय नहीं है, खाली फरेबियों को सपोर्ट करता है, तो ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। लिखो इस बात को, देन यू शुड नॉट हैव टू वर्शिप देम। फर्दर, अगर भगवान ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है परमुटेशन, इफ देयर इज नो गॉड, इफ देयर वाज नो गॉड, And you have lived a noble life. You have lived a noble life. That will live on in the memories. That will lived on the memories of your loved ones. Of your loved ones. Loved ones. ठीक है, चलें आगे। कोशिश रहेगी कि कुछ क्लासेस आपको अच्छा आदमी बनाने की कोशिश रहेगी, और अच्छा आदमी नहीं, आप अच्छी करते रहेंगे, लोग अपने आप, समाज अपने आप रिकॉग्नाइज करता रहेगा, आप अच्छे बने रहेंगे। और मैं एक बात बताऊं, वेल्थ से किसी, मैंने क्या कहा, अगर वेल्थ भी, कितनी ही वेल्थ है आपके पास, और आप दूसरे की वेल्थ पे फिर भी लालसा करते हैं, तो आप भिखारी हैं। पीस एंड काम कुछ भी नहीं है। जैसे डायग्नोसिस ने पूछा था अलेक्जेंडर से कि गुलामों और तुम्हारे पिताजी की हड्डियां एक ही जगह रखी है, डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है कौन सी गुलामों की है, कौन सी राजा की है। समझ में आया, आप क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है समाज में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पापा मदर ने कितना पैसा कमाया है, या आप कितना उसमें लूट लूट के भर देंगे घर। करप्शन करने पे मिड डे मील का पैसा भी, पोषण अभियान का भी पैसा खा जाएंगे, और उन बच्चों को मिलेगा रोटी और नमक, शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को और ऐसे लोगों को। एक कहानी और सुनाऊं, छोड़ो यार आगे, पर लेट जल्दी दो तीन लाइन कर करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे भी तो कितने सारे लोग हैं। जैसे एक समय की बात है कि मैं, हल्दीराम के जो ओनर हैं, ये नोएडा इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो बैठे थे साथ, तो खाना लगाया, तो एक त्यागी जी थे जो वहां पे एचआर मैनेजर थे, पूरे टॉप लेवल के नॉच पे थे, तो देखते थे। तो उन्होंने खाना लगवाया और कहा, मिठाई मेरे लिए मत लगवाना, मुझे शुगर है। दुनिया को आप मिठाई खिला रहे हैं, आप खुद नहीं खा सकते क्योंकि आपको, तो जिंदगी ऐसी भी ना जिए,
कि आप खुद की बनाई चीजें भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपको समझ में आई बात। तो लीव अ पर्पसफुल लाइफ, भेड़ों की तरह नहीं जीना है। भेड़ भी पैसा कमाती है, भेड़ भी सारे काम कर सकती है, किसी भी काम से पैसा कमाया जा सकता है। लीव अ पर्पसफुल। नेक्स्ट आइए फर्दर, ये बुक कहती है कि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम यहां नहीं होते कहीं और होते, यानी मेरी प्रॉब्लम का जो मेन वो है वो ये जगह है जहां पर मैं हूं। जगह का मतलब आप अपने परिवार में, कि मैं अंबानी के परिवार में होता तो कुछ और होता, मैं राव साहब के परिवार में होता तो कुछ और होता। जमीन आई हुई है, थार लेता और ठीक है बिग बॉस 2 में जाता, जो भी बिग बॉस आया है। हो सकता है बहुत सारी चीजें हो, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। क्या हुआ? मैं वैसे राव नहीं, कोई भी हो सकता है, वो जहाज में मुआवजा आया हुआ बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं लोग। घड़ी अरसुरु में तो बहुत सारा आया हुआ है। तो हम अपनी परिस्थितियों को वो करते हैं कि हम जहां पर हैं वो प्रॉब्लम है। लोग आपने देखा होगा माइग्रेट भी कर जाते हैं, कितने वेस्ट चले गए, यूके चले गए, कितने सऊदी अरब चले गए, कितने कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह है। वेस्ट में जाते हैं तो काला और गोरे का कंसेप्ट है, सऊदी अरब जाते हैं तो वो आपको मुसलमान ही नहीं मानते, वो कहते हैं छोटा मुसलमान है। अरब वाले मुसलमान जो है, बिद्दू जो है, बड़े मुसलमान। आप रशिया जाते हैं, वहां जाके डिस्क्रिमिनेट होता है। तो बात यह है, प्लेस बदलने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी जगह बदल के कुछ नहीं कर देंगे। आप अगर अंबानी के घर में भी होते तो भी वैसे ही होते। आपको डिफरेंट पर्सन बनने की जरूरत है, डिफरेंट प्लेस की जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व अंबानी के घर में कोई नया नहीं बन जाता। अब भी आपको अंबानी के घर लाए भेज दिया जाए तो भी आप वैसे ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट लोग डिफरेंट काम से बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो एक गांव से आते हैं भाई, हम उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि ही हैज राइज थ्रू द रैंक्स। अंबानी के लड़के का नाम नहीं लेते हैं यहां पर। एक मोटू है, उसने 3 बार सर्जरी कराई फिर दोबारा मोटा हो गया, 3 बार मोटा हो गया, 3 बार सर्जरी करा ली, उसकी बात नहीं कर रहे हम। किसकी बात कर रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम की। ही इज लेफ्ट अ लेगेसी, पर्सोनिफिकेशन। तो आपको डिफरेंट पर्सन बनने की जरूरत है एज कंपेयर टू चेंजिंग योर प्लेस। लिखो इस बात को भी, इफ यू वांट टू एस्केप द थिंग्स दैट हैरेस यू, जो कुछ चीजें जो आपको परेशान करती हैं। If you want to escape the things that harass you, what you are needing is not to be a different place, is not to be in a different place, not to be in a different place, but to be a different person. आपको डिफरेंट प्लेस पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी अ नया, एक नए इंसान बनने की जरूरत है। फर्दर, ट्रू हैप्पीनेस क्या है? इंजॉय द प्रेजेंट। ट्रू हैप्पीनेस इज टू इंजॉय द प्रेजेंट विदाउट डिपेंडेंसी ऑन फ्यूचर। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। ज्यादा होप मत पालिए, होप की जगह वर्क करिए। बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। होप की जगह आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए कि मुझे अगर यहां पर एक कमी लगती है तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा तो ये कमी दूर हो सकती है, इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि लाल बत्ती लगाऊंगा और कुत्तों की तरह यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊंगा, सेलिब्रिटी बनूंगा, औकात से ज्यादा मिल गया, कुत्ते को घी,
समझ में आई बात? और दे आर नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, उनके फॉलोअर्स भी वो गधे ही हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है? तो बी अ पर्सोनिफाइड पर्सन कि आप समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या चीज आपको प्रेरित करती है कि नहीं ये एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, एंड वी वांट टू रेक्टिफाई दिस। एक मोटिवेशन देना अपने आप को जरूरी है, ये नहीं कि होप और डिजायर, लाल बत्ती का डिजायर, बोकाल का डिजायर, ठीक, इसका डिजायर नहीं। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई आपके साथ गलत किए करे, हो सकता है जिंदगी में बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करते हैं, और क्या पता आपको भी लगता हो गलत करते हैं, तो पहले ये देखिए वो आदमी, अगर आप उसकी जगह रहते और आप दोनों की सेम फिलॉसफी है तो आप भी वैसा ही करते, अगर आप भी वैसा ही करते तो आप उस, आपको उसे माफ कर देना चाहिए अगर आप उसकी जगह होते, और अगर आपकी आइडियोलॉजी उसकी आइडियोलॉजी से भिन्न है, डिफरेंट है, आपकी सही गलत की परख आपको ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट मोरोन बेवकूफ, उससे ज्यादा है, तो भी आपको माफ करना ना चाहिए, क्योंकि वो बचकानी हरकतों वाला आदमी है, बच्चा है। समझ में आई बात? उसमें बुद्धि ही नहीं है इतनी कि सही और गलत पता चल सके, ठीक है? वो एक हंगरी गोश्त है, बीमारियों से भरपूर है, मिठाई बनाता है लेकिन मिठाई खा नहीं सकता है। समझ में आई बात? तो आपको उसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो बीज बोते हैं उसी की खेती होती है। अफीम बोओगे तो अफीम ही खाओगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं खाओगे। समझ में आई बात? लिखो इस बात को भी। When someone wrongs you, यानी गलत करे, wrongs you, ask yourself what made him to do, क्या ये लिखवा भी से ले रहा हूं क्योंकि ये हमेशा जिंदगी में याद रहे, ये पेपर आप हमेशा अपने साथ रखो, what made him to do it, किस कारण से उसने ये काम किया होगा, पहले आप ये बात पूछो। फिर वंस यू अंडरस्टैंड हिज कंसेप्ट ऑफ गुड एंड इविल, वंस यू अंडरस्टैंड हिज कंसेप्ट ऑफ गुड एंड इविल, यू विल फील सॉरी फॉर हिम, दया, माफ कर दो, बच्चा है, यू विल फील सॉरी फॉर हिम, and cease to either be amazed or angry, ना गुस्सा करे ना अचंभित हो, ना compassion, ना गुस्सा हो ना अचंभित हो, ना गुस्सा करे ना अचंभित हो, you will feel sorry for him and cease to be either amazed or angry, ठीक है? If his concept is similar, next line से, if his concept is similar to yours, then you will be bound, to forgive him. आपको से माफ करना ही पड़ेगा, या आप भी तो वैसे हैं, you will bound to forgive him. Since you would have acted as he did in similar circumstances, but if you do not share his idea of good or evil, then you should find even easier, अगर सिंपल सी बात है, दोनों बात ये है, सिमिलर पर्सन को माफ करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हमें लगता है धोखा हो गया हमारे साथ, क्योंकि हम भी वैसे हैं,
दिक्कत ये है, तुम्हें लगता है हम ही ये करते, ये हमारे साथ कर गया, दिस इज द प्रॉब्लम। और अगर आपका गुड और बैड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपके वर्चू ज्यादा हैं, आपको परेशान ही नहीं कर सकता कोई, आपको लगे गधा है ये तो, बच्चा है, इसकी बुद्धि अभी बहुत कमजोर है, इसे जानवर को इंसान बनने में टाइम लगेगा। अब कुत्ता काट ले तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कुत्ते ने काट लिया, दवाई करेंगे अपनी, कुत्ता है वो, उसकी थिंकिंग लेवल आपकी तरह नहीं है, वो गुड और बैड आपकी तरह डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये आदमी अच्छा, इसे नहीं काटना है। समझ में आया? उसे माफ करना बहुत आसान है, बिकॉज ही हैज चाइल्डिश बिहेवियर, इजंट इट? लिखो इसे। बट इफ यू डू नॉट शेयर हिज आइडिया ऑफ गुड और इविल एंड इविल, देन यू शुड फाइंड इट इवन इजियर, यू शुड फाइंड इट इवन इजियर टू ओवरलुक द रॉन्ग्स ऑफ समवन, रॉन्ग्स ऑफ समवन हु इज कंफ्यूज्ड, हु इज कंफ्यूज्ड एंड इन अ मोरल मडल, मोरल मडल, इन अ मोरल मडल, और बीच ब्रैकेट में लिख लो चाइल्डस, चाइल्डहुड, चाइल्डिसनेस, मोरल मडल में है, चाइल्डिसनेस में है, बच्चा है। लोगों से पूछा गया अमीर कौन है, वेल्थ किसके पास सबसे ज्यादा है, तो वेल्थ बहुत ज्यादा पोजीशन होने में नहीं है, मैंने क्या कहा, कहा वेल्थ पोजीशन में होने ज्यादा होने में नहीं है, ये बुक कहती है अगर आपके वॉन्ट्स कम है तो आप वेल्दी ज्यादा है। प्रॉब्लम यही है, आदमी जिस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है वो चीज सबसे ज्यादा उसे परेशान करती है मिलने में। द पाथ, हमारा जो पाथ होना चाहिए वो राइटियस होना चाहिए, चीजें अपने आप मिलती रहेंगी, लेकिन हम जब वॉन्ट करते हैं, जब हम डिजायर करते हैं, ये डिजायर हमें परेशान रखती है क्योंकि हम उसके लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव, एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हैं। योर वांट्स शुड बी फ्यू, देन यू आर वेल्दी। सबसे ज्यादा वेल्दी आदमी कोई नहीं है, आपका दिमाग का पीस, कंपैशन कोई खत्म नहीं कर सकता, आपको लेगेसी बनाने से कोई नहीं रुक सकता। और दुनिया में हम लेगेसी की ही बात करते हैं, रॉथचाइल्ड फैमिली की, मैं अगर फैमिली ट्री बता पूछ लूं तो किसी को पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं होगा। हम ग्रेट लोगों को ही याद रखते हैं, ये समाज लेगेसी भी उन्हीं की बनाता है। अब चाहिए क्या कि बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खोल लो लेकिन एक भी मिठाई ना खा पाओ, ये चाहिए? या फिर ऐसा चाहिए कि आप कायनात तक आपका नाम अमर रहे, लेगेसी, क्या चाहिए तुम्हें? चाहे कमी लोगों के बीच में हो, लेगेसी तो हो। चलिए, फिर इसने कहा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, घर जाना है फिर? हाँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम खाली हो। फिर ये पूछा गया कि कौन लोग आपके मास्टर हैं, कौन लोग आपको कंट्रोल करते हैं? तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, वो लोग जो आपको गुस्सा दिलवा दे, वो लोग जो आपसे आपके पीस ऑफ माइंड को स्ट्रेच कर दे, दे आर कंट्रोलिंग यू, दे आर मास्टर ऑफ यू, वो लोग आपके मास्टर्स हैं। बी वेयर ऑफ देम, डोंट लूज योर पीस ऑफ माइंड। डोंट परमिट योर सेल्फ टू बी डिस्टर्ब बाई देम, देन यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आपको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अब उसने बताया जैसे कैसे कंट्रोल करते, अरे मैंने तो 20 बुक पढ़ ली, तूने नहीं पढ़ा, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब। फिर हमने कहा 20 बुक पकड़ ली, 20 चैप्टर पढ़ लिए, 20 चैप्टर में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं अपना समय रील्स में व्यतीत कर लेता हूं।
disturbed. They make you angry. They are controlling you by different methods. They are the masters. So don't permit yourself to be disturbed by them. Be the master of your own destiny. Next. बुरे समय आना circumstances, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं जिंदगी में. बुरे circumstances और बुरे दौर का आना जरूरी है. बुरे समय का आना जरूरी है. क्यों बुरे समय का आना जरूरी है? हाँ, मजा नहीं आया. बुरा समय के आना क्यों जरूरी है? हाँ, आप खुद को, यू कैन रिवील योर सेल्फ ओनली वैन यू आर इन पजल, वैन यू आर योर सरकमस्टांसेस आर बैड. तभी पता चलेगा कि रियल यू क्या हो. तभी पता चला सकता है कि आप कर क्या सकते हो. जब तक सरकमस्टांसेस बैड नहीं, तब तक आप खुद से मिले नहीं. खुद से मिलने का तरीका ही है कि वर्स्ट से वर्स्ट जो हो सकता है आपके साथ वो. Never erase the peace of mind. और तब act करने की जरूरत है. और act तो आपको हर समय पे करने की जरूरत है, लेकिन bad circumstances are also necessary. They reveal you to the yourself. आईना दिखाते हैं दुनिया का भी और आपका भी. और तब पता चलता capable हो कि नहीं हो. स्पून फीडिंग से तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है. वो लेगेसी कहां बना के जाता है? वो गधे हैं. लेगेसी क्रिएटर थोड़ी ना है. तीन बार मोटे होंगे, तीन बार सर्जरी कराएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे. नॉट लेगेसी मेकर, isn't it? तो लिखो इस बात को भी. द सर्कमस्टांसेस डोंट मेक द मैन, डोंट मेक द मैन. सर्कमस्टांसेस किसी आदमी को बनाते नहीं है. दे रिवील हिम टू द हिमसेल्फ. वो उससे उसको मिलाते हैं. दे रिवील हिम टू हिमसेल्फ. वो उसको खुद से मिलाते हैं.